अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सनह फस्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अखबारी इतला के ज़रिए भी आपको मालूम हो चुका और फिर अभी आपके सामने बात आ गई। आज हमने सूरह मारिज का मुताला करना है। ये नोट कर लीजिए कि हमने जब से ये सिलसिला शुरू किया था तो 29वें पारे के इब्तिदा से हमने दरस कुरान का ये सिलसिला शुरू किया। सबसे पहली सूरत सूरतुल मुल्क, मैंने आपको बता दिया था कि वो इनफिरादी मिजाज की सूरत है, उसका कोई जोड़ा नहीं है। जैसे इससे पहले जो ग्रुप है कुरान मजीद की मक्की और मदनी सूरतों का, उसमें भी जो 7 सूरतें मक्की हैं उनमें से पहली सूरत सूरह काफ जो है वो मुनफरिद है, वो जोड़े की शक्ल में नहीं है। अलबत्ता बकिया जो 6 हैं वो जोड़ों की शक्ल में है। सूरतुल ज़ारियात और सूरतुल तूर एक जोड़ा है, सूरतुल नज्म और सूरतुल कमर एक जोड़ा है, सूरतुल रहमान और सूरतुल वाक़िआ एक जोड़ा है। अब उसके बाद फिर मदनी सूरतें शुरू हुई, वो जोड़ों की शक्ल में हैं, 5 जोड़े हैं, 10 सूरतें हैं सूरह हदीद से लेकर सूरह तहरीम तक, और इस तरह वो एक ग्रुप जो है मुकम्मल हो जाता है। फिर ये आखिरी ग्रुप है मक्की और मदनी सूरतों का कुरान मजीद में, जो आखिरी 2 पारों पर मुश्तमिल है, और इसका अक्सर व बेशतर हिस्सा जो है वो मक्की सूरतों पर मुश्तमिल है, मदनी सूरतें ना होने के बराबर है। इसमें यह है कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया सूरह मुल्क मुनफरिद है, लेकिन फिर सूरह नून या सूरह कलम और सूरह हाक़्क़ा ये एक जोड़े की शक्ल में है। और मक्की सूरतों में जोड़ों के ज़िमन में मैंने एक उसूल आपको बताया है कि जोड़े के एक फ़र्द में जो अम्बाउर रसुल हैं उनका तस्करा होगा अहमियत के साथ और नुमाया तौर पर। रसूलों की ख़बरें, रसूलों के हालात व वाक़यात और रसूलों के इनकार और कुफ्र की बिना पर कौमों का हलाक हो जाना, जैसा कि सूरतुल हाक़्क़ा में है, जबकि सूरह कलम में कोई जिक्र इसका मौजूद नहीं है। इसी तरह का मामला अब ये जोड़ा आ रहा है। सूरह मारिज में किसी रसूल की दावत का जिक्र नहीं है, किसी कौम पर अजाब के आने का जिक्र नहीं है, लेकिन अगली सूरत जो है वो सूरह नूह है, वो पूरी की पूरी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मौजू पर, और फिर ये कि उसमें जो हलाकत और बर्बादी कौम नूह पर आई थी उसका तस्करा मौजूद है। तो ये एक जोड़ा है। साला साइलुम बेअज़ाबी वाक़िअ, मांगा एक मांगने वाले ने एक ऐसा अजाब के जो वाक़े होकर रहना है, यानी एक अजाब है कि जिसको आना तो है, तयशुदा है, लेकिन कोई मांगने वाला उसकी जल्दी कर रहा है। सवाल का लफ्ज़ अरबी ज़बान में 2 मानी में आता है। सवाल पूछना, कोई चीज़ दरियाफ्त करना, ये भी सवाल है, और कोई शय मांगना ये भी सवाल है। इसी तरह आप साइल कहते हैं, किसी ने आकर आपसे मसला पूछा वो भी साइल है, और किसी ने आपसे पैसा मांगा और हाथ फैलाकर जो है खैरात मांगी वो भी साइल है। लेकिन जब सवाल आता है कहीं कोई चीज़ पूछने के बारे में तो अन आएगा, सअला अन, उस चीज़ के बारे में पूछा और दरियाफ्त किया। लेकिन जब बा के साथ आएगा सअला साइलुम बेअज़ाबिन वाक़िअ, तो वो मांगना, मांगा एक मांगने वाले ने वो अजाब के जो वाक़े होकर रहने वाला है। होगा तो सही, लेकिन उसका एक वक्त मुअय्यन है, अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक उस वक्त वो होगा, लेकिन यह कि किसी ने उससे पहले जल्दी बचाकर और उसका अल्लाह ताला से सवाल किया है। अब यह पहली आयत में बड़ा तफसीरी इख्तिलाफ है। अक्सर हजरात की राय यह है कि इससे मुराद है कुफ्फार मक्के के, ख़ासतौर पर नज़र इब्न हारिस उसके बारे में आता है। वो बड़ा एक शदीद मुखालिफ था हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अपने अवाम को कायल करने के लिए अपने खुलूस का किए तो बड़े मुखलिस लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, हमारे सरदार हैं, अगर ये नहीं मान रहे हैं मोहब्बत को तो वाक़तन कोई बात होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो आम लोग हैं, हमें क्या पता, हम तो इसका फैसला नहीं कर सकते, ये हमारे लीडर हैं, चौधरी हैं, सरदार हैं। तो उन्हें असल में इसकी बड़ी फिक्र थी कि हमारे आवाम पर कहीं हुजूर की दावत असरअंदाज ना हो जाए, तो उनको हर तरीके से वो अपने खुलूस का यकीन दिलाते थे। उसी में से एक शक्ल ये भी थी कि उसने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फ़अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा। ऐ अल्लाह, अगर जो कुछ ये मोहम्मद पेश कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये हक़ है तेरी जानिब से, तो तू हम पर पत्थरों की बारिश कर दे। यानी इस दर्जे उन्हें यकीन है कि मोहम्मद जो कुछ पेश कर रहे हैं वो झूठ है, उसके अंदर इख्तिरा है, वो उनका बनाया हुआ कलाम है, वो अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, ये उनका दावा जो है ये सही नहीं है। इस दर्जे यकीन है कि उसके लिए वो अपने आप को इतनी बड़ी बद्दुआ दे रहे हैं कि अगर ये हक़ है, इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक, अगर कुरान जो ये पेश कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये हक़ है और तेरी तरफ से है, फ़अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, तो फिर हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे। तो अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ उससे मुराद वही है कि वो काफ़िर लोग जो है वो जल्दी मचाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बहुत अरसा हो गया, आप हमें अजाब की खबरें दे रहे हैं, धमकियाँ सुना रहे हैं, ले आइए अजाब, ले आइए उसको, अगर सच्चे हैं तो ले आइए अजाब। लेकिन यहाँ एक राय और भी है और मेरी राय वही है, अगरचे वो राय शाज़ है लेकिन मेरी राय उनके साथ है। लेकिन शाज़ वो शख्सियत बड़ी अजीम है, शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद शाह अब्दुल कादिर, उनकी राय ये है कि ये सवाल करने वाले खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये बात हमारा आम आदमी जो है आम तौर पर इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए कि हमारे जहन के मुताबिक ये बात बड़ी अजीब है, नाकाबिल कबूल है कि हुजूर अजाब की दुआ करें, अजाब मांगे, आप तो बद्दुआ भी नहीं देते थे। हालांकि वाकया ये है कि अजाब की एक दुआ और अजाब का अल्लाह ताला से सवाल करना ये अपनी जगह पर साबित है। चुनाचे सबसे बड़ा सबूत जो है, जो मैंने अर्ज़ किया, ये जोड़ा है, ये सूरह मारिज के बाद जो सूरह नूह आ रही है तो वो जोड़ा है, और उसमें आपको मालूम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कैसी दुआएं मांगी, रब्बे ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ये सारी बातें आखिर ये कि नबी भी इंसान होते हैं, उनका भी एक वक्त में आके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, एक हद होती है हर शय की कि उसके ऊपर आकर फिर उनकी तरफ से अल्लाह ताला से तकाजा किया जाता है कि अल्लाह कब तक इन काफिरों को, इन जालिमों को, इन मुशरिकों को जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इस्तेहजा कर रहे हैं, जो ईमान ले आए हैं उन्हें तकलीफ़ें दे रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। क्या कुछ बिलाल के साथ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है कि जो हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जिस तरीके से टॉर्चर करके जो है शहीद किया है अबू जहल ने, तो अल्लाह कब तक छूट देगा इनको, क्यों नहीं इनके बारे में अब आखिरी फैसला हो जाएगा। ये बिल्कुल एक फितरी बात है। इसीलिए कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर हम पढ़ते हैं, वला ताजल अलैहिम, ऐ नबी आप जल्दी ना मचाइए इनके बारे में। ये अल्फाज मौजूद है कुरान मजीद में। हमारे एक हिकमत में एक वक्त मुअय्यन है, उस वक्त तक की हम इन्हें मोहलत देंगे, आपको सब्र करना होगा, आपको झेलना होगा, आपको बर्दाश्त करना होगा। जरा याद कीजिए हमारे बंदे नूह ने 950 बरस तक सब्र किया था, ये तो आखिरी बात हो सकती है। जरा गौर कीजिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, और हम किसी तौर से ना मानते अगर ये कुरान के अल्फाज ना होते, कोई रिवायत होती, कोई अगर तौरात की कोई रिवायत होती या हदीस भी होती तो बहुत कम लोग इसे तस्लीम करते कि 950 बरस सूरह अनकबूत के अंदर मौजूद है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, हमने नूह को भेजा उसकी कौम की तरफ, तो हो रहा उनमें 1000 बरस से सिर्फ 50 बरस कम, 950 बरस में। तो यहाँ पर दर हकीकत अजाब मांगने वाले खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका के सबसे बड़ा सबूत, ये मेरी राय तो थी काफ़ी पुरानी, लेकिन मुझे जब मालूम हुआ कि यह तो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, वाक़या यह है कि मूज़हुल कुरान जो है उनका बहुत बड़ा कारनामा है और उलूम कुरानी के अंदर उनका बहुत ऊँचा मकाम है। बामुहावरा तर्जुमा उर्दू में तो उन्होंने किया है, बाकी सारे तराजिम जो बाद में हुए, चाहे वो शेखुल हिंद का है रहमतुल्लाह अलैह, सब के सब माखूज हैं शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे से। ये शाह वलीउल्लाह देहलवी के दो फर्जंदों ने जो तर्जुमे किए थे, दोनों अपनी जगह पर अपनी अपनी एक हैसियत और शान के अंदर वाक़या ये है कि बेमिसाल है। शाह अब्दुल कादिर ने बामुहावरा उर्दू में तर्जुमा किया, लेकिन वो मुहावरा उस वक्त का है, आज से यूँ समझिए कि 200 साल पहले का मुहावरा, उर्दू का मुहावरा बदला है। उस वक्त तक जो है हिंदी के काफ़ी अल्फाज उर्दू में मुस्तामल होते थे, होते होते उर्दू जो है वो पॉलिश होती गई, संवरती गई, बनती गई, उसकी अपनी जो है अदबी रिवायात बनती गई। इसीलिए शेखुल हिंद ने लिखा है कि मैंने सिर्फ ये किया है, पिछली सदी में तर्जुमा किया ना, 100 बरस गुजर चुके थे शाह अब्दुल कादिर के तर्जुमे को, तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये किया है कि जो मुहावरे तब्दील हो गए हैं मैंने उनको जदीद मुहावरे के मुताबिक कर दिया, बाकी तर्जुमा वही शाह अब्दुल कादिर का है। ये शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन कह रहे हैं। तो शाह अब्दुल कादिर का कौल जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको आदमी जो है रद्द कर दे और फेंक दे, माअल्लाह, ये बात बड़ी वजनी है। और मेरे लिए तो देखिए नज़्म कुरान का मामला इसी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। अब ये बात जो सामने हमारे आगे कि ये जोड़ा है और इस जोड़े में से जो अगला इसका जो है फ़र्द है, उसमें किस कदर ज़बरदस्त दुआएँ जो हैं अल्लाह ताला से की गई हैं, ऐ अल्लाह ताला इनको जो है तबाह बर्बाद कर दे और इनके लिए जो है काल नूह रब्बि ला तज़र अल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैती मोमिनन वलिलमोमिनीन वलमोमिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। इतनी बड़ी दुआ, बद्दुआ पहले करके फिर आखिर में जो है वो जज्बात जैसे कि हैं गोया कि ठंडे नहीं पड़ रहे हैं। आपका जो उस वक्त की कैफियत जो है, जिस तरीके से जिच हो चुके हैं, जिस तरह सताए गए हैं, जिस तरह तंग किए गए हैं, उसकी वजह से वो अंदर से जोश उबल रहा है कि आखिर में फिर वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा, इन जालिमों के लिए तो सिवाय हलाकत और बर्बादी के और किसी चीज़ का इजाफा मत कर, और इनमें से एक घर भी बसता ना छोड़। तूने अगर इन्हें छोड़ दिया तो इनकी नस्लों में से भी काफिर ही उठेंगे, अब कोई तवक्को नहीं है। जिसे पंजाब के इलाके में कहा जाता बीज मारा गया, इनकी तो नस्लों के अंदर तवक्को नहीं है कि आइंदा नस्लों में भी कोई खैर वाले लोग जो है, भले लोग, नेक लोग उठाएंगे। मालूम होता है कि इनकी सरिश्त बिगड़ चुकी है, पूरी कौम की कौमी इज्तिमाई जो है सरिश्त बिगड़ चुकी है। तो साला साइलुम बेअज़ाबिन वाक़े, मांगा एक मांगने वाले ने जो मेरे नज़दीक हुजूर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेअज़ाबिन वाक़े, वो अजाब जो वाक़े तो होगा। लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़े, और काफिरों से उसको हटाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा कि जो बचा सके उन्हें, कोई नहीं होगा जो दफा कर सके, उसको हटा सके, फेर सके उसके रुख को। मिनल्लाह ज़िल माआरिज, वो आएगा उस अल्लाह की तरफ से जो बड़ी बुलंदियों वाला है। मेराज और मेराज की जमा माआरिज, इसी से लफ्ज़ मेराज है। मेराज और मेराज एक ही लफ्ज़ है, मिफाल और मिफाल, इसमें आला बनता है इस वज़न के ऊपर। तो इस तरीके से मारिज, ऊंचाइयों वाला अल्लाह। अब उसकी ऊंचाइयां किस एतबार से हैं, ये आयात मुतशाबिहात में से जो हमारी समझ में इस वक्त नहीं आ सकती। इस दुनिया से जाने के बाद जब दूसरे आलम में आंखें खुलेंगी, आलम अमर के जब मुशाहदात होंगे, तब शायद इन चीज़ों का कुछ अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन अभी तो हमें कहाँ अंदाज़ा है अल्लाह ताला की बुलंदियाँ क्या हैं। वैसे तो अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला की खुसूसी शानें जो हैं वो ख़ास ख़ास जगहों पर है। मसलन अर्श है, वहाँ अल्लाह ताला की एक खुसूसी शान है, उसकी तजल्लियात का एक इर्तिकाज़ है। कुर्सी है, उस पर उसकी इर्तिकाज़ है, उसके तजल्लियात का और उसके इख्तियारात का। इसी तरह आता है अल्लाह ताला जो है हर रात को आखिरी हिस्से में समाए दुनिया तक नुज़ूल फरमाते हैं तबारक व तआला, और फिर वहाँ पर पुकारने वाला पुकारता है हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, हल मिन साइलिन फ़अअतियहू, है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई मांगने वाला सवाली कि मैं उसे दूँ। तो अल्लाह ताला नुज़ूल भी फरमाते हैं। कयामत के दिन भी अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाकर इस जमीन पर आ जाएंगे। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। जब जमीन को कूट कूट के चपटा कर दिया जाएगा, बिल्कुल बराबर, कोई उसके अंदर ना ऊंचाई होगी, ना टीला होगा, ना एच पेच होगी, ना कोई रास्ते होंगे, ना वादियां, ना पहाड़, कुछ नहीं। ला इवाजा फीहा वला अमता। वो जब बिल्कुल चटियल सीधी कर दी जाएगी, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। और ये हम पढ़ चुके हैं, फैज़न शक्कतिस समा, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली सूरत के अंदर। जब आसमान फटेगा और अल्लाह ताला का जो अर्श है उस वक्त, वह यहमिल अर्श रब का फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के अर्श को पकड़े हुए होंगे, थामे हुए होंगे, और अल्लाह ताला का नुज़ूल होगा। तो अब ये देखिए अल्लाह ताला की शान में कि एक तरफ जैसे कि शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अपने ख़ुतूत में लिखते हैं, वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा, अल्लाह बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा। ये किस एतबार से कि हम उसकी कुनह को नहीं पा सकते, हम उसकी शख्सियत का तसव्वुर नहीं कर सकते। वो हमारे तसव्वुर से, तखय्युल से मावरा मावरा मावरा, वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा। लेकिन साथ ही वो इतना करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान से उसकी रगे जान से भी करीब तर हैं। अब ये दोनों शाने कैसे हैं हम नहीं कह सकते, बस मानते हैं कुरान मजीद में आया है, अल्लाह ताला का फरमान है, उसके अर्श भी है, उसकी कुर्सी भी है। वो 7वें आसमान पर हुजूर को ले जाया गया खास मुशाहदात कराने के लिए। वो जो बेरी का दरख्त था, इज़ यख्शा सिदरत मा यख्शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुब्रा। वो कैसी बेरी है, कैसा दरख्त है, इस यक्षा सिदरत मा यक्षा, क्या चीज़ उसे ढांपे हुए है, कौन सी तजल्लियात अल्लाह ताला की है जो वहाँ नाजिल हो रही है, जिनका कि मुशाहिदा कराया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान से भी ऊपर। तो ये है कि मिनल्लाह ज़िल मआरिज, अल्लाह ताला जो है बहुत बुलंदियों वाला है। अब उसकी बुलंदियों का एक तसव्वुर दिया जा रहा है, लेकिन ये भी आयात मुतशाबिहात में से है। वो इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि तारुजुल मलाइकत वर्रूह इलैहि फी यौमिन काना मिकदारुहु 50,000 सना। चढ़ेंगे फरिश्ते और अर्रूहुल अमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी जानिब, लेकिन एक ऐसे दिन में जिसकी तवालत, जिसका तूल 50,000 बरस के बराबर है। फरिश्तों को वहां तक रसाई के लिए इतना वक्त चाहिए, लेकिन ये हमारे हिसाब से है। ये चीज़ें जो है आलम अमर में होती है चश्मे ज़दन के साथ, लेकिन हमारा हिसाब अगर होगा, जैसे कि फरमाया गया कि इन्ना यौमन इंदा रब्बिका काल्फि सनतिम मिम्मा तअद्दून, कि तुम्हारे रब का एक दिन जो है वो तुम्हारे हिसाब से जो 1000 बरस होते हैं उसके बराबर है। तो एक हमारा हिसाब है। देखिए ना, ये आपको दुनिया में भी हम समझ सकते हैं। एक दिन है हमारा ज़मीन का दिन, वो दिन क्या है, 24 घंटे का है, कि ये इस एक 24 घंटे में ये एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है अपने एक्सिस के गिर्द, अपने महवर के गिर्द। अच्छा, कोई बहुत बड़ा जमीन से जो है सैयारा वो भी तो मौजूद है ना, उसे ये चक्कर लगाने के अंदर जो है 1 महीना चाहिए, उसका एक दिन 1 महीने का होगा। अच्छा, सूरज का एक दिन कितना होगा, गैलेक्सी पूरा जो है, पूरा ये जो भी है उसकी गैलेक्सी जो है कहकशां, उसका एक दिन कितना होगा। तो ये हम हिसाब नहीं कर सकते। तो ये दिन जो है बहुत रिलेटिव टर्म है, इसलिए फरमाया तुम्हारे हिसाब से, तुम जो हिसाब करते हो, ये 7 दिन का हफ्ता, फिर उसके बाद महीना, फिर साल, 365 दिन में साल हो गया, तो तुम्हारे 1000 साल के बराबर अल्लाह का एक दिन है। ये मजमून तो कुरान में 2 जगह आया है कि 1000 साल के बराबर अल्लाह का दिन है जो तुम्हारा हिसाब है उससे। ये सूरह सजदा में भी है, जो हुजूर हर जुमे की सुबह को फजर की पहली रकत में पढ़ा करते थे, और बहुत आपको मोहब्बत थी सूरह सजदा के साथ। और ये सूरह हज में भी है। लेकिन ये कि ये इसी एक मकाम पर है कि 50,000 बरस का दिन, इसके बारे में फिर आरा बड़ी मुख्तलिफ है। एक राय तो ये है कि ये क़यामत का दिन है असल में। क़यामत के दिन से मुराद क्या है कि क़यामत में जो नफ़ख़े 3 होने, नफ़ख़े ऊला, एक ज़लज़ला और एक हलचल मच जाएगी, उसके कितने अरसे के बाद नफ़ख़ा साक़ आएगा, कि जितने भी जानदार होंगे बेहोश होकर मरकर गिर जाएंगे। उसके कितने अरसे के बाद नफका बास होगा, फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। इदाहुम क़यामुन यंज़ुरून, फिर खड़े होंगे तीसरे नफके के बाद। उसके बाद उनको जमा किया जाएगा, हश्र व नश्र का मामला होगा, फिर हिसाब किताब होगा। पंखा ये भी चला दीजिए। हिसाब किताब का मामला होगा, जज़ा व सज़ा के मुकदमात के फैसले होंगे। फिर जो है लोग जन्नत में, जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे और जो दोज़ख़ी है दोज़ख़ में। ये पूरा अरसा कहा गया कि ये 50,000 बरस के बराबर है, वल्लाहु आलम। और इसमें चूंकि एक हदीस भी मौजूद है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर ये मौजूद है, हज़रत अबू सईद खुदरी से रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि इसके हवाले से कुछ सहाबा ने हुजूर से कहा, हुजूर वो दिन तो फिर बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा होगा, 50,000 साल। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, वो होगा इतना लंबा, लेकिन अहले ईमान के लिए वो ऐसे होगा जैसे कि उन्होंने बस एक फर्ज नमाज अदा कर ली, बस। अब ये है इंसान के अपने एहसासात के बल पर। एक वक्त में आपकी तबीयत जो है इंशराह पर है, तो आपको वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, इतना वक्त गुजर गया। आप हंसी में, खेल में, लतीफ़ा गोई में और बातों के अंदर लगे हुए, ओ 4 घंटे गुजर गए, वो 4 घंटे गुजरने का पता ही नहीं चला। और एक वक्त होता है किसी का इंतज़ार है, अल इंतज़ार व अशद्द मिनल मौत, इंतज़ार जो है वो तो मौत से भी ज़्यादा शदीद होता है, वो एक एक लम्हा मुश्किल से गुजरता है। तो गोया के दर हकीकत ये वक्त का जो एहसास है, ये आपकी दाखिली जो सब्जेक्टिव हैसियत आपकी होगी, उसके ऊपर भी इसका दारो मदार है कि किसी वक्त वो वक्त जो है आपको तेजी से गुजरता हुआ मालूम हो रहा है। वक्त तो वही है, वही सेकंड है, वही मिनट है, वही घंटा होगा, लेकिन ये है कि वो एक वक्त में ऐसा गुजरा है कि मालूम हुआ कि कुछ भी वक्त नहीं गुजरा। हमने ये सोचा था, गुजर गए 4 घंटे। और कभी ऐसा होता कि मुश्किल से इतना वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तो 10 मिनट ही गुजरे हैं कुल, और हम जो है इंतजार कर करके थक गए। तो बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि ये होगा तो बहुत लंबा, 50,000 साल का दिन, लेकिन ये कि वो दिन जो है वो अहले ईमान के लिए बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे एक फ़र्ज नमाज अदा कर ली जाए, वल्लाहु आलम। मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि ये आयात मुतशाबिहात में से है, इनके बारे में कोई हतमी बात कहना हमारे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। फसबिर सब्रन जमीला, असल बात ये आई। अब तो ऐ नबी आप सब्र कीजिए, और सब्र भी बड़ा खूबसूरती वाला सब्र, बहुत उम्दा सब्र। जल्दी ना मचाइए, वला ताजल अलैहिम, इनके बारे में आप जल्दी फैसला ना चाहें। फसबिर सब्रन जमीला, ये सूरह मुजम्मिल में भी आया है, फसबिर सब्रन जमीला यहाँ भी आया है। सब्र कीजिए, झेलिए, बर्दाश्त कीजिए, जल्दी ना कीजिए, जल्दी ना मचाइए। जैसे कि हम देखते हैं, वमहिलहुम तम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको ज़रा मोहलत दीजिए, अमहिलहुम उन्हें मोहलत दीजिए। तो ये सारा चीज़ें जो है ये कुरान मजीद में आया है कि अभी हमारी हिकमत में, हमारे इल्म में, हमारे फैसले में जो वक्त मुअय्यन है अजाब के आने का और आखिरी फैसले का, उसी वक्त वो अजाब आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। लिहाजा आप सब्र कीजिए। आपका काम यह है कि आप अपना काम करते रहिए, कोई सुने ना सुने, कोई आपकी बात कबूल करे ना करे, इससे आपको कोई बहस नहीं। जो नहीं कबूल कर रहा वो अपनी आकबत बर्बाद कर रहा है, वो अपने लिए जहन्नम तैयार कर रहा है। जो कबूल कर रहा है वो अपने लिए दुनिया की जो असल ज़िंदगी है उसमें रौहुन व रेहान व जन्नत व नईम का सामान कर रहा है। ये उनका मामला है। आपका काम यह कि आप सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ, मुदावमत के साथ अपनी इस दावत और तबलीग में लगे रहिए। फसबिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदम व नराहु करीबा। मेरे नज़दीक यहाँ पर ज़मीर जो है वो क़यामत के दिन के लिए है, जिसके लिए आया है कि 50,000 बरस का होगा। ये लोग उसे दूर देख रहे हैं और हम उसे बिल्कुल करीब देख रहे हैं, हमारे सामने मौजूद है। अब ये भी देखिए, रिलेटिव टर्म होती है। हवाई जहाज़ अगर ज़रा चल रहा हो लो लेवल पर, तो आपने देखा कि आपको हैदराबाद नज़र आ गया और उसके साथ ही दूसरे वो आगे जो है वो ठट्ठा भी नजर आ रहा है। लेकिन अभी हवाई जहाज को भी ठट्ठे तक पहुंचने में चंद मिनट लगेंगे, लेकिन ये है कि जो ऊपर बैठा हुआ है उसे तो नजर आ रहा है, हमें नजर नहीं आ रही क़यामत। लेकिन अल्लाह के सामने है, अल्लाह की निगाहों के सामने मौजूद है। इन्नहुम यरौनहु बईदन। अब ये भी नफ्सियाती एक मसला है कि हम भी अगरचे क़यामत को मानते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हर शख्स जो है उसके तसव्वुर को अपने जहन से दूर ही रखना चाहता है। क़यामत तो दूर की बात है, मौत को भी नहीं सोचने को तैयार। चाहे अपने किसी अजीज को अच्छा भला था और सेहतमंद था, अचानक हार्ट अटैक हुआ है और आप जाकर उससे कब्र में उतार आए हैं, ज़रा सी झुरझुरी तो आती है थोड़ी देर के लिए कि भाई ये मामला जो है वाकई इस दुनिया से जाना है, जैसे ये गया हमें भी जाना है, आज वो कल हमारी बारी है। लेकिन उसके बाद आके फिर अपने धंधों में, अपनी मसरूफियात में, अपने मशागिल में फिर लगकर भूल गए मौत को, जैसे कि मौत हमें नहीं आनी, उन्हें ही आई है जो आई है, जिसको आई है, हमें नहीं आएगी। तो यही मामला क़यामत का है। क़यामत को तस्लीम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? आगे सूरह क़यामा में उसकी तफसील आएगी कि इसलिए नहीं तैयार है, बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, वो जो जिस हराम खोरी की आदत पड़ गई है छोड़ने को तैयार नहीं है। क़यामत को मानने के हिसाब किताब होगा, जज़ा व सज़ा होगा, तो हराम खोरी छोड़नी पड़ती है फिर, लेकिन वो हराम खोरी की इतना इंसान खूगर हो चुका है कि छोड़ने को तैयार नहीं, इसलिए वो उस तसव्वुर ही को अपने से दूर रखता है। जैसे कि अगर कोई बिल्ली जो है कबूतर पर झपट रही हो तो वो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता, इसलिए कि वो ताप नहीं लाता कि बिल्ली को अपने ऊपर झपटते हुए देखे, हालांकि मालूम है कि उससे कोई बिल्ली मादूम तो नहीं हो जाएगी, बिल्ली तो उसकी गर्दन आकर दबोचेगी, लेकिन यह कि वो उस वक्त जो है कम से कम अपने तसव्वुर से दूर रखने के लिए आंखें बंद करता है। तो इंसान मौत से और आखिरत से आंखें बंद करने में आफियत समझता है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा। अब उस क़यामत का एक नक्शा खींचा गया, यौम तकूनु समाउ कल मोहल। ये जो छोटी सूरतें हैं कुरान मजीद की, अरबी लुगत के एतबार से ये मुश्किल तरीन सूरतें हैं। बड़ी बड़ी तवील मक्की सूरतें, तवील मदनी सूरतें वो आसान लैंग्वेज की हैं, इसमें लुगत का जो है वोकेबलरी का बड़ा मसला आ जाता है। अब मसलन मोहल है, मोहल की कई ताबीरात आपको मिल जाएंगी। तेल की तलछट, जब आप तेल को साफ करते हैं तो नीचे जो गदली सी चीज़ रह जाती है वो मोहल है, या ये कि पिघला हुआ तांबा। यौम तकूनु समाओ कल मोहल, जिस दिन के आसमान ऐसे हो जाएगा जैसे कि पिघला हुआ तांबा हो। और सूरह रहमान में कहा गया वर्दतन का देहान, वो बिल्कुल जो है जैसे वहाँ तेल के बारे में ख़ास तौर पर दोहन कहते ही तेल को है, जैसे तेल की तलछट होती है सुर्खी माइल, वैसा ही आसमान हो जाएगा। और लेकिन एक ये कि इसको ये भी कहा गया कि तांबा पिघला हुआ। यौम तकूनु समाओ कल मोहल व तकूनुल जिबाल कल एहन, और ये पहाड़ जो है ये धुनकी हुई ऊन के मानिंद हो जाएंगे, जैसे रुई कह लें, हमारे यहाँ रुई का ज़्यादा एक तसव्वुर है, धुनकना जो है, लेकिन ऊन को भी धुनका जाता है और फिर उसके जो है उसके वो ऊन का जो है वो बनता है और तागा बनता है उसका। तो इस एतबार से जो है वो उसको भी कहा गया तकून उस जबाल कल एहन, यानी ये कि ये ठोस जो नज़र आते हैं। व तरल जबाला फतह सबुहा जामिदतन वही तमुर्रो मर्र सहाब, तुम पहाड़ों को देखते हो और तुम्हें नज़र आता है बड़े ठोस हैं, बड़े ठोस हैं, बड़े ठोस हैं, लेकिन उस दिन वो ऐसे चल रहे होंगे जैसे बादल चल रहे होते हैं। और बादलों का तस्वुर जाहिर बात है कि आज से 200 साल पहले लोगों को क्या होगा। आज आपको मालूम है, आप हवाई जहाज जाते हैं, हवाई जहाज चीरता हुआ जाता है बादल को, बादल है उसमें सॉलिड शे कोई नहीं है, कोई शे नहीं है कि जो जहाज के लिए रुकावट बन सके। या जब बुलंदी से उतरता है तो एक तह जो है बादलों की गुजर गई, फिर आप दरमियान में आ गए, फिर एक और तह आ गई, तह पर तह जो है वो बादलों के जो है वो वहाँ पर आपको नजर आएंगे, एक लिहाफ, दूसरा लिहाफ, तीसरा लिहाफ और दरमियान में खला, जैसा कि वो है। वही तमुर्र बर्रा सहाब, वो ऐसे चलेंगे जैसे कि बादल चलते। और इसका जो है मैं याद आपको करा दूं, इसका नक्शा मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कि 11 सितंबर को जो कुछ न्यूयॉर्क में हुआ था, कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि मैं आमतौर पर असर की नमाज अपनी पढ़कर 4:45 बजे नमाज होती थी, तो आकर फिर मैं टेलीविज़न पर 5 बजे की जो ख़बरें हैं बीबीसी की वो देखा करता हूँ। मैंने आकर बीबीसी लगाया और वह क़यामत सुगरा बरपा थी, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके ट्विन टावर्स, उनमें से एक के अंदर आग लगी हुई थी और चीख चीख कर जो है वो जो अनाउंसर थी वो कह रही थी कि ये क़यामत सुगरा आ गई है, ये हो गया है। और फिर मेरी निगाहों के सामने दूसरा जहाज़ आया, मैंने खुद देखा, 10,000 मील के फासले से मैंने देखा कि वो जहाज आ रहा है, आकर उसने दूसरे टावर को हिट किया। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद जिस तरह वो क्रम्बल डाउन हुआ है, जिस शख्स ने भी वो टावर्स देखे हैं, किस कदर मजबूत इमारत वो थी, खालिस स्टील, और उसकी पूरी की पूरी इमारत जो है ऐसे बैठी है। और उसके बाद जो धुआं निकला उसमें से वो सफेद था, बिल्कुल बादलों की तरह। मैंने बिल्कुल वही बतरल जिबाला, तुम पहाड़ों को देखते हो तहसबुहा जामिदतन, तुम समझते हो बड़े ठोस हैं, निग्गर हैं, ये कहाँ हिलेंगे, ये कोहे हिमालय कैसे हिलेगा अपनी जगह से। लेकिन यह कि वही तमुर्र मर्र सहाब, वो तो उस दिन क़यामत के दिन जो है वो ऐसे चल रहे होंगे ये पहाड़ जैसे कि जो बादल चलते हैं। और ये नक्शा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो यौम तकून समाओ कल मोहल व तकून जबाल कल एहन वाला यस अलो हमीम हमीमा, और उस दिन कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त का पुरसाने हाल ना होगा। कोई किसी से नहीं पूछेगा कि तुम किस हाल में हो, तुम पर क्या बीत रही है, मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकता हूं, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, कुछ नहीं। ला यस हमीम उन हमीम, और हमीम कहते हैं बड़े गहरे दोस्त को, जिगरी दोस्त, गर्म जोश हमीम कहते भी तो है ना, गर्म गर्म शे को, बहुत उबलता हुआ पानी हमीम। तो हमीम दोस्त वो है जिसके अंदर दोस्ती के जज्बात बहुत गहरे और बहुत ही यूं समझिए कि मुश्तइल होते हैं दोस्ती के जज्बात। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई गहरा और जिगरी दोस्त अपने किसी दूसरे दोस्त को पूछने वाला नहीं होगा। युबस्सरूनहुम, क़यामत यह कि दिखा भी दिए जाएंगे। आपको अपनी जान की पड़ी हुई है और आप देखेंगे कि आपका दोस्त जा रहा है, कन्नी कतरा के निकल रहा है कि कहीं मेरी भी कोई मुसीबत ना आ जाए, मैं भी कहीं पकड़ा ना जाऊं। अगरचे उसकी पकड़ भी आनी है अपने वक्त के ऊपर, लेकिन उस वक्त वो अपनी बेरुखी का पूरा जो है इजहार कर देगा और आपका कोई जो है उसके लिहाज करना नहीं होगा उसके। हाँ, युबस्सरूनहुम, उन्हें दिखा भी दिए जाएंगे, देखो ये है दोस्त, इनके लिए इनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए तुमने गलत काम किए थे ना, इनकी सिफारिश जो है वो माननी थी दोस्त की है, क्या करें आपने गलत काम किया, असल हकदार को हक से महरूम किया और किसी और को वो शय दे दी कि जो उसका हक नहीं था। ये सब काम तुमने क्यों किया था, अपने इसी जिगरी दोस्त की सिफारिश की वजह से किया था। आज वो देखो कैसे तुमसे कन्नी कतरा कर और आंखें चुरा कर निकल रहा है। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िम बिबनीह व साहिबतिही व अखीह व फसीलतिही लती तुवीह व मन फिल अर्द जमीअन सुम्मा युंजीह कल्ला। मुजरिम तो उस रोज चाहेगा कि वो फिदिये में दे दे उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को, लो इन्हें डाल दो जहन्नम में, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो। व साहिबतिही, अपनी जोरू को, अपनी बीवी को, डालो इसको भी जहन्नम में, लेकिन मुझे बख्श दो। वह अखी, अपने भाई को भी। वह फसीलत हिल्लती तूवी, और उसका वो घराना, वो खानदान जो उसके लिए पनाहगाह था, जो उसके लिए सहारा था, जो मुख्तलिफ मुश्किलात में उसके साथ दुनिया में काम आते थे और कहीं झगड़ा होता था तो वो उसका साथ देते थे। तूवी आवा यूवी, किसी को पनाह देना, जिनमें जहां वो पनाह उसको मिलती थी उनको भी देखेगा। लेकिन यह कि चाहेगा वह मन फिल अर्द जमीअन, जमीन में जितने इंसान हैं ये सब फिदिये में ले लो, इन सबको जहन्नम में झोंक दो, मुझे बचा लो। ये है वो बात जो हमारे यहां रिवायात में कही जाती, नफसी 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 नफसी, हर एक को अपनी जान की पड़ी होगी। ना कोई बाप जो है बेटे को पूछने वाला होगा, ना बेटा बाप को पूछने वाला होगा। इल्लल मुत्तकून, कुरान कहता है। हाँ, मुत्तकी जो है उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी। लेकिन जिन लोगों का मामला, मुजरिम का मामला ये है, यवद्दुल मुजरिम वो यौम है, जो मुजरिम है, जो गुनाहगार हैं, जो गलतकार हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, उनका मामला ये हो कि सारी दोस्तियां ख़त्म और वो चाहेंगे कि तमाम इंसानों को किसी तरह फिदिया में मुझसे कबूल करके सबको जहन्नम में झोंक दें। और यही मजमून फिर आया आखिरी पारे में भी, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लेकुल इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, सूरह अबस के अंदर आया। जिस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से भी, अपनी बीवी से भी, अपने बाप से भी, अपनी माँ से भी, सबसे भागेगा। तो ये जो फिरार उस वक्त होना है, इसमें जरूरत इस बात की है कि इस दुनिया में रहते हुए आदमी जान ले कि ठीक है ये मेरी बीवी है, मुझ पर इसके कुछ हुकूक हैं, इसका नान नफका मेरे जिम्मे है, इसकी दिलजोई भी मुझे करनी है, लेकिन इसकी कोई गलत फरमाइश कबूल नहीं करनी। ये वो मजमून है जो आया सूरह तगाबुन में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से तुम्हारे दुश्मन हैं, बचकर रहो। उनकी मोहब्बत तुमसे गलत काम करा लेती है। इन्हें अच्छे से अच्छा खिलाना है, अच्छे से अच्छा पिलाना है, इन्हें तो सिटी स्कूल में पढ़ाना है और फलां बीकन हाउस में दाखिल नहीं करेंगे तो क्या कह देंगे लोग, अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाई। अब अगर वो हलाल से नहीं तो हराम से कमाओ, जैसे भी कमाओ, बाई हुक और बाई क्रुक। अगर सरकारी मुलाजिम हो तो गबन करो, धोखे दो, रिश्वतें लो, कुछ करो। अब ये सारे काम किस लिए कर रहे हैं? उनकी मोहब्बत में आकर। बीवी की फरमाइश है, बीवी ने इस जेवर की फरमाइश कर दी, अब कैसे टाल सकते हैं? वो जेवर तो बहरहाल उसके लिए बनेगा। वो शादी आ रही है, उसके लिए जोड़ा नया चाहिए, पुराना जोड़ा पहन कर जाएगी तो क्या कहेंगी औरतें कि इसके पास तो पुराना जोड़ा पहन के आ गई है। ये सारी बातें हैं कि जो इंसान को गलत रास्ते पर लेकर जाती है। ये गोया कि आपके लिए दुश्मनी है, वैसे बज़ाहिर दोस्ती है, मोहब्बत है, या आप आउट ऑफ लव कर रहे हैं बीवी के लिए या अपनी औलाद के लिए, लेकिन दर हकीकत ये दुश्मनी हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, तो बचो उनसे, बी ऑन द गार्ड कि उनकी मोहब्बत तुमसे कोई गलत काम ना करा रहे। जो वहां होना है नफसी नफसी, वो नफसी यहां भी होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को बहरहाल बचाना है, मुझे गलत काम नहीं करना है, मुझे हरामखोरी नहीं करनी है, मुझे किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। बीवी नाराज होती है तो हो, औलाद को अगर मैं उस सतह की तालीम नहीं दिला सकता तो नहीं सही, जो कुछ मेरे पास जराए हैं, जायज जराए से मैं उसी के अंदर जो कर सकता हूं उसी का मैं जो है मसूल हूं, जिम्मेदार हूं। ये तर्ज अमल इस दुनिया में अगर नहीं है तो आखिरत में ये नक्शा हो जाएगा। यबद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िम बिबनी व साहिबतिही व अखीह व फसीलतिही लती तुवीह व मन फिल अर्द जमीअन सुम्मा युंजीह। कल्ला, हरगिज नहीं, निजात नहीं मिलेगी आपके लिए, कोई छुटकारा नहीं है, कोई फिदिया कबूल नहीं होगा। कल्ला इन्नहा लज़ा, वो जहन्नम जो है वो तो एक ऐसी आग है जिसमें धुआं है ही नहीं, शोला ही शोला, उसकी लपट, उसके अंदर जो है वो कोई धुएं की बात नहीं है। नज़ात लिश्शवा, शवा के तर्जुमे ये भी किए गए कि चमड़ी वो चाट जाएगी गोश्त और पोस्ट को, वो जहन्नम की आग। और ये भी आया है कि खींच लेगी कलेजे को, शवा कलेजे के लिए। और इसमें मालूम है आपको कि हीट जो है, हम आमतौर पर तो लोगों को मालूम नहीं होता, एक ही तरह की गर्मी होती है। आग की गर्मी जो है जाहिर बात है कि वो अगर कहीं लगेगी तो पहले आपकी जिल्द को जलाएगी, फिर वो उसके बाद नीचे के टिश्यूज को जलाएगी। लेकिन नहीं, गर्मियाँ और भी हैं। डायथर्मी, जिसके ज़रिए से कि बहुत से अमराज का इलाज किया जाता है, पट्ठों के अमराज, जोड़ों के अमराज, उसमें आपको मालूम है डायथर्मी जो है वो स्किन को कुछ नहीं कहती। स्किन पे तो मालूम भी नहीं होगा आपको कि गर्मी कोई शय है, गर्म आई है, कोई गर्मी हरारत होगी, लेकिन अंदर पेनिट्रेट करके और वो पट्ठों पे और ये जो अजलात हैं उनके ऊपर जाकर असर करती, खाल को कुछ नहीं कहती। इसी तरीके से आखिरी पारे में वैलुल कुल्ल हुमज़तुल लुमज़ा जो है सूरह हुमज़ा, उसमें कहा गया है कि तत्तलिउ अलल अफएदा, वो जहन्नम की आग जो है वो दिलों के ऊपर रोशन होगी, शोला जो है वो दिलों के अंदर होगा। अब ये हम यहाँ कुछ नहीं समझ सकते इसको। आपको मालूम है कि एटमिक एक्सप्लोजन होता है तो उसकी आग कुछ और ही है, उसके जो भी असरात होते हैं, रेडिएशंस होती है, वो कुछ और ही किस्म की है। तो इसी तरीके से आग भी कोई एक किस्म की शय नहीं है, आग की भी मुख्तलिफ शक्लें हैं, खुद इस दुनिया में है। अब वो जहन्नम की आग कैसी होगी ये तो वहीं चल के मालूम होगा। अल्लाह ताला बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, वो तो पुकारेगी और खींच लेगी हर उस शख्स को जिसने पीठ मोड़ी थी और रूगर्दानी की थी, यानी नबी की दावत, रसूल की दावत से। जबकि नबी और रसूल की दावत आई थी तो एराज किया था और रूगर्दानी की थी। वह जमा फ़अवा, और बस एक काम में लगा रहा था, माल ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं, जमा करूं और सेंध सेंध कर रखूं, मेरी तिजोरी जो है भरी रहे माल से। जाहिर बात है उस ज़माने में ये बैलेंस शीट्स नहीं होती थी, दौलत वही होती थी जो आपकी तिजोरी में बंद है, कितना सोना है, कितना चांदी है। लेकिन यह कि आज तो बैलेंस शीट्स जो है ना मालूम कितनी शक्लों के अंदर दौलत होती है लोगों की। लेकिन उस वक्त का मामला क्या था? कि माल कमाया और सेंध सेंध कर रखा, तिजोरियों में भर लिया, बस इसी काम में जिंदगी गुजार दी। बाकी ना कोई खैर के लिए खर्च किया, ना अपना वक्त खर्च किया, ना पैसा खर्च किया, ना दीन के लिए किया, ना पैसा खर्च किया, ना अपना वक्त खर्च किया, कुछ भी नहीं। तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, वो आग खींच लेगी, खुद पुकार लेगी उनको कि जिन्होंने रूगर्दानी की थी और पीठ मोड़ ली थी। वह जमा फाओगा, और माल जमा किया था और खूब खत्ते भरे थे, सेंध सेंध कर रखा था। इन्नल इंसान खुलिक हलूआ, यकीनन इंसान पैदा किया गया है बड़ा थुड़दिला। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, थुड़दिले की एक मजीद वजाहत हो गई। जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो जजा फजा करता है, फरियाद करता है, नाला व शैवन, रोना धोना, शिकायत शिकवा फरियाद। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, खैर मिल जाए, दौलत मिल जाए तो मना करता है, यानी रोक लेता है उसको, किसी और को कोई फायदा ना पहुंच जाए। वो सारा जो है घेर घार कर अपने पास ही, अपनी तिजोरी के अंदर ही बंद कर ले, किसी और को कोई फैज ना पहुंच जाए, किसी भूखे को खाना ना मिल जाए, किसी नंगे को कपड़े ना मिल जाए, वो सारा खैर जो है वो अपने पास ही जमा कर ले। ये है इंसान का थुड़दिलापन। अब यहां पर एक बहुत अहम मसला आ गया है। वो मसला ये है कि कुरान मजीद इंसान के बारे में बज़ाहिर, ये लफ्ज बज़ाहिर नोट कर लीजिए, अगर ये लफ्ज आप ओमिट कर देंगे तो फिर कहीं मुझ पर फतवा लग जाएगा। कुरान में बज़ाहिर तजाद है। वो तजाद क्या है? एक तरफ कुरान ये कहता है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया। कुरान मजीद कहता है खलक़तहु बियदैया, इंसान को हमने अपने दोनों हाथों से बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। ये है, सजदा करा दिया सारे फरिश्तों से, सारे फरिश्ते। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, एक तरफ तो ये रिफ़ात शान है, ये बुलंदी है, ये ऊंचा मकाम है, अशरफुल मखलूक़ात। दूसरी तरफ खुलिक हलूआ, इंसान तो थुड़दिला पैदा किया गया है। खुलिकल इंसान मिन अजल, इंसान तो जल्दबाज पैदा किया गया, जल्दबाजी इसकी सरिश्त में दाखिल है, इसकी गुट्टी में पड़ी हुई है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, सूरह अहज़ाब में फरमाया, वो तो ज़लूम और जहूल है, जाहिल है, कुछ नहीं जानता, जालिम है, अपने ऊपर जुल्म करने वाला है। सूरह निसा में फरमाया खुलिकल इंसान दईफा, इंसान को कमजोर पैदा किया गया। अब बताइए ये दोनों चीजें किस तरीके से एक दूसरे से टकरा रही हैं, क्या हल है इसका? जो लोग इंसान की शख्सियत को नहीं मानते कि इसमें दो शख्सियतें जमा हैं एक इंसान में। एक इंसान का हैवानी वजूद है जो जमीनी उल असल है, जमीन से पैदा हुआ, मिट्टी से पैदा हुआ है। एक इंसान का रूहानी वजूद है, वह आसमान से आया है, जमीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं। रूहानी वजूद, नफख्तु फीही मिन रूही, मैंने उसमें अपनी रूह में से फूंका है। ये दो वजूद जोड़ दिए गए हैं। शेख सादी कहते हैं अस फरिश्ता सरिश्ता वज हैवां, सरिश्तन कहते हैं गूंद देने को, कि ये दो वजूद इंसान में गूंधे हुए हैं। फरिश्ता भी है इंसान के अंदर मौजूद और हैवान भी है। हैवान तो है, घोड़े को चारा चाहिए, हमें भी ग़िज़ा चाहिए, प्यास लगती है, हमें भी लगती है, आराम चाहिए, हमें भी चाहिए, जिनसी जज्बा उसमें भी है, बकाए नस्ल के लिए हमारे अंदर भी है। क्या नहीं, क्या फ़र्क है? हर हैवान में जो कुछ है, जितने तकाजे हैं, अवर एनिमल इंस्टिंक्ट्स, हमारे जो हैवानी जिबिल्लतें हैं, वो सब वही है। लिहाजा वाक़या ये है कि अपनी खिलकत के एतबार से ये आलम खल्क है, ये ज़मीन का आलम है। इंसान बहुत कमज़ोर है, थुड़दिला है, कमज़ोर में सबसे कमज़ोर है, ये कमज़ोर पैदा किया गया, इसके अंदर उजलत पसंदी है। खुलिकल इंसान मिन अजल, ये ज़लूम है, ये जहूल है, सब कुछ है। लेकिन वो जो अहसन तक़वीम है, वो रूह, रूहानी वजूद, वो है बुलंद तरीन, वो फरिश्तों से भी बुलंद है। कुरान मजीद में आपको मालूम है 7 मकामात पर यह बात आई है कि हजरत आदम के सामने तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया और उन्होंने सजदा किया। फसजदल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमाऊन, वो आदम। तो इस एतबार से अब दो अल्फाज मैं इस्तेमाल किया करता हूं आमतौर पर, एक है फितरत, हमारे रूहानी वजूद के जो तकाजे उन्हें हम फितरत से ताबीर करते हैं, अच्छी चीज है ये फितरत। और इसके लिए सूरह रूम में फरमाया फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये फितरतुल्लाह है, अल्लाह की तरफ रूही है ना, वो रूही मेरी रूह, तो फितरतुल्लाह फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, वो अल्लाह की फितरत जिस पर के इंसानों को उसने पैदा फरमाया। तो जो हमारे रूह के तकाजे उसको हम कहेंगे फितरत, फितरत का तकाजा ये है। और जो हमारे जिस्म के तकाजे हैवानियत के तकाजे उसे हम सरिश्त कहेंगे या खिलकत कहेंगे, ये तख्लीक है, ये आलम खल्क है, वो आलम अम्र है, रूह। यह सलून कानी रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये अम्र रब है, ये रूह जो है ये अम्र रब है। ये लिहाजा इस एतबार से हमारे ये दो वजूद हैं, एक एतबार से हम सबसे ऊंची मखलूक हैं, फरिश्तों से भी बुलंद हमारी अरवाह, लेकिन एक एतबार से हम सबसे नीचे हैं। सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, जिन भी हमारे से ऊपर हैं, तख्लीकी एतबार से जिन हमसे बेहतर हैं। इसलिए तो कहा था उस जिन ने, अजाजील ने, अना खैरुम मिनहु, मैं इस आदम से बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया। आग एक लतीफ शय है, उसके अंदर हरारत है, उसमें गर्मी है, वो जला डालने वाली है, जलस देने वाली है। ये मिट्टी से बनाया इसको, आदम को, खलक़तहु मिन तीन, तो ये जो है अब मैं अफजल हूँ, ये मफजूल है, मैं कैसे सजदा करूँ। लेकिन वो रूह इंसानी से वाकिफ नहीं था जिसकी बिना पर के इंसान जो है मस्जूद मलाइक बना है। वह तो वह फैजा सवैतुहू व नफख्तु फीह मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं उसका तस्विया कर लूँ, मुकम्मल कर लूँ, निक सुख से दुरुस्त कर दूँ और फिर अपनी रूह में से फूंक दूँ तो गिर पड़ना उसके सामने सजदे में। तो यहाँ नोट कर लीजिए, तख्लीकी एतबार से इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इंसान कम हिम्मता है, थुड़दिला है। और उसके अंदर कैफियत क्या है उसकी, कि अगर तकलीफ ज़रा सी आई बर्दाश्त नहीं होती, नाला और शैवन, चीख पुकार, रोना धोना, फरियाद। और वाइजा मस्सहुल खैर व मनुआ, और अगर आ गया खैर तो सब समेट कर अपने ही पास रख लेना, और ये नहीं कि उससे किसी और खल्क़ खुदा में से किसी और को कोई फ़ायदा पहुँच जाए। अब इसके बाद जो हिस्सा है सूरह मुबारका का, ये हमारे मुंतखब निसाब जो है मुताला कुरान हकीम का, उसके ये तीसरे हिस्से का पहला सबक है। ये बहुत अहम मकाम है। इंसान की शख्सियत जो कच्ची शख्सियत है, ये खाक का पुतला इंसान, इसको वाक़तन उस खलीफतुल्लाह का जो मामला है उस मकाम तक लाने के लिए इसको किन चीज़ों से, किन आमाल के ज़रिए से इसको पुख्ता किया जाएगा। जैसे इकबाल कहता है कि खाक है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू, और पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजिनहार तू। तो पुख्ता हो जाना, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर का बनाना, वो कैसे बनेगा, उसके लिए प्रोग्राम है जो कुरान मजीद में दो जगह पर ये एक दूसरे की बिल्कुल मिसाल है। सूरह मोमिनून की पहली 11 आयात है, वहाँ ज़रा इख्तिसार के साथ है ये मामला। यहाँ 19 आयात के अंदर वो मसला खोल कर बयान किया गया है कि सीरत साजी, किरदार साजी, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए उसूल क्या हैं, क्या तरीके इख्तियार किए जाएंगे। फरमाया इस थुर्दलेपन का इलाज जो है, कौन मुस्तस्ना है इससे, इल्लल मुसल्लीन, वो लोग के जो नमाज पढ़ने वाले हैं। सूरह मोमिनून में वहां मोमिनून फरमाया, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, यहां मोमिनून के बजाय मुसल्लीन। बहुत लतीफ नुक्ता है इसमें कि मोमिन और मुसल्ली गोया कि हम मानी अल्फाज हैं, और वाकया है ये। मोमिन की जिंदगी की नुमाया तरीन चीज नमाज है। 5 मरतबा आप अपने कारोबार में से निकलते हैं, जो भी दुकानदार है वो निकलता है, जोहर के वक्त निकलना, असर के वक्त निकलना, कितना शाख गुजरता है, कारोबार का वक्त है। लेकिन मालूम होता है कि जिंदगी जो है बंधी हुई है, इस प्रोग्राम से इधर से उधर नहीं हो सकते, आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना है। तो मुसलमान की जिंदगी का नुमाया तरीन वस्फ, उसकी गोया की अलामत ये है नमाज, इल्लल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले। लेकिन नमाज पढ़ने वालों की एक शान क्या है, अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाजों में मुदावमत करते हैं। नमाज जो है उसके दो डायमेंशंस हैं। सूरह मोमिनून में दूसरी डायमेंशन बयान हुई है, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ये इंटरनल डायमेंशन है, एसोटेरिक एलिमेंट है। नमाज में खुशू हो, खुजू हो, आप खड़े हैं तो वाकई आपको एहसास हो कि आप परवरदिगार के हुजूर में खड़े हैं। खड़े हुए यूं ना खड़े हुए हों बल्कि आपका जिस्म झुका हुआ हो, खड़े हालत में भी एक तरह का झुकाव जो है आपके अंदर पाया जाता हो और आपके दिल में जो है खौफ हो अल्लाह का। और जब आप सजदा करें तो महसूस करें कि जैसे अपने रब के पाँव पर अपना सर रख दिया है, पैरों पर सर रख दिया है। ये आते हैं अल्फाज हदीस के अंदर आते हैं। ये है इंटरनल डायमेंशन खुशू और खुजू नमाज का। एक एक्सटर्नल डायमेंशन है मुदावमत, मुहाफिजत। ये आया है, इसके भी आखिर में आ जाएगा, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। पांचों नमाजें हैं, बर वक्त अदा हो रही हैं, बाजमात अदा हो रही हैं। भाग दौड़ करके आदमी उनमें से किसी को भी ज़ाय करने को तैयार नहीं होता। मालूम होता है कि अगर ज़ाय हो गया तो उसको इतना एहसास होता है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, कोई अजीज़ फौत हो गया शायद। इस दर्जे तक अगर एहसास नहीं होता तो वो नमाज की मुदावमत नहीं है। नमाज की मुदावमत हमेशगी दवाम, ये नहीं कि कोई जो है जिसको हम कहते हैं गंडेदार नमाज, जब चाह जी आया पढ़ लिया और वक्त बे वक्त जब भी सहूलत हुई पढ़ ली, नहीं, पाबंदी के साथ। इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीन फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। और वो लोग के जिनके मालों के अंदर एक मुअय्यन हक है, मांगने वाले के लिए भी महरूम के लिए भी। यानी जो माल उनके पास है वो ये नहीं समझते कि बस हमारा ही हमारा है, हम ही खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, जो भी करेंगे सैरें करेंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे। नहीं, इसमें हक है। जो मांगने वाला है, आगे है साइल आपसे मांगने के लिए, उसका भी हक है इसमें। अल्लाह ने तुम्हारे माल में उसका हक रखा हुआ है, उसे उसका हक पहुंचा दो। इसी तरीके से जो महरूम है, आपके माशरे में एक तबक़ात मुतरफीन है, एक महरूमीन है, वो गुरबा हैं। वो ऐसे ही घरों में पैदा हुए हैं कि जहाँ शुरू से गुर्बत देखी उन्होंने, उन लोगों का भी हक है तुम्हारे माल के अंदर। ये ना समझो कि तुम खैरात दे रहे हो, यानी जो नुक्ता नोट करने के काबिल है वो ये हक है उनका। हक ब हकदार रसीद करो, वो हक पहुंचा दो उन्हें। इसलिए कि ये दर हकीकत ये तुम्हारी खैरात नहीं है, कोई अपने आप को बड़ा तीर मारखा ना समझो। ये तो गोया कि उनका हक था जो तुम्हारे माल में रख के अल्लाह ने आजमाया है, हक उनके पहुंचा दो। वल्लज़ीन फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। सूरह मोमिनून में वहाँ आया है वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, वहाँ ज़कात फ़ाइलून का लफ्ज़ आया, जो तज़किए और ज़कात पर मुसलसल कारबंद रहते हैं। जाहिर बात है कि ये सूरतें जो हैं मक्की हैं, तो इनमें अभी ज़कात का निज़ाम वो मुराद नहीं है कि जो बाद में आकर मदीने में कायम किया गया है, बल्कि वो तज़किया नफ्स के लिए खर्च करते रहना, गरीबों को, मोहताजों को, मिस्किनों को। या जैसे हज़रत अबू बकर ने खर्च किया, जो मुसलमान थे, ग़ुलाम बेचारे, कनीज़ें थीं जिन्हें सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, उनके कोई हुकूक थे ही नहीं, कोई सिविल राइट्स नहीं थे। लिहाजा उन्होंने मुँह मांगे दाम जो भी मांगे उनके मालिकों ने वो दिए और ख़रीदा और आज़ाद कर दिया। ये सबसे बड़ा खर्च है। सिद्दीकियत कुबरा का मकाम जो हज़रत अबू बकर को हासिल हुआ, दर हकीकत उसका मज़र ये है सबसे बड़ा। वल्लज़ीन फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम वल्लज़ीन युसद्दिकून बियौमिद्दीन। और वो लोग जो यौमुद्दीन, जज़ा व सज़ा का दिन, हिसाब किताब का दिन, फैसले का दिन, उसकी तस्दीक करते हैं, मानते हैं, ईमान रखते हैं कि एक दिन आएगा, यौम आखिर जिसे हम कहते हैं, वो जो पिछला दिन है वो आएगा। और उस दिन जो है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रे के हम वजन नेकी की होगी वो देख लेगा, अपने सामने मौजूद पाएगा, और जिसने जर्रे के हम वजन जो है कोई शर किया होगा, बुराई की होगी, बदी कमाई होगी, वो सामने पाएगा, अब देख लेगा उसको। वल्लज़ीन युसद्दिकून बियौमिद्दीन वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। और वो लोग के जो अपने रब के अज़ाब से डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। बड़े से बड़ा इंसान भी हरगिज़ जो है बेखौफ ना हो जाए अल्लाह के अज़ाब से। हज़रत अबू बकर की बात सामने रखिए कि अगर मुझे ये बता दिया जाए कि तमाम इंसान जन्नत में जाएंगे सिवाय एक आदमी के, तब भी मुझे डर होगा कि शायद वो एक आदमी मैं ही हूं। लेकिन रजा भी क्या है, ये तो खौफ है। और रजा क्या है अगर मुझे बता दिया जाए। तमाम इंसान जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, तब भी मुझे उम्मीद होगी कि शायद वो एक मैं ही हूँ। तो बैनल खौफ वर रजा, अल्लाह ताला की तरफ से मगफिरत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की जो शान है सत्तारी और गफ्फारी की, उसके हवाले से उम्मीद भी रहे कि अल्लाह ताला बख्श देगा। अल्लाह ताला से आप बख्शिश मांगते रहें, डरते रहें, लेकिन खाइफ भी रहें, लर्जा और तरसा भी रहें। ये न समझे कि लाजमन आपकी बख्शिश हो जाएगी, डरते रहें। मुशफ़िक़ून खौफज़दा रहते हैं, डरते रहते हैं अपने रब के अजाब से। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, और यकीनन उनके रब का अजाब ऐसी ही शय है कि जिससे कोई शख्स नचिंत नहीं हो सकता, बेखौफ नहीं हो सकता। वो अजाब इतना बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बस 2-4 दिन के लिए जेल में चले गए माअज़ल्लाह। वो अजाब एक लम्हे के लिए भी कोई दाखिल होगा तो जान पर बन जाएगी, और जिसे मुस्तकिल रहना पड़ेगा उसका तो आप सोच लीजिएगा क्या हशर होगा। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो जिंदों में होगा ना मुर्दों में होगा। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। ये आयतें बैन ही इन्हीं अल्फाज में सूरह मोमिनून में भी आई हैं, बिल्कुल यही, इसमें एक शोशे का भी फर्क नहीं है। बाकी तो मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूं कि यहां मुसल्लीन का लफ्ज आया, वहां मोमिनीन का लफ्ज आया, कद अफ़्लहल मोमिनून। वहां लिज़्ज़कात फ़ाइलून आया है, और यहां पर जो है ये कि उनके माल के अंदर महरूम के और साइल का हक है। तो गोया के मजमून एक, मफहूम एक, अल्फाज जुदा, लेकिन ये बात जो है ये बैन ही उन्हीं अल्फाज में वहां है और यहां भी है। वो लोग के जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सेक्स डिसिप्लिन, जिनसी जज्बा बहुत मुजोर है, बहुत ताकतवर है, इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो जायज़ रास्ता अल्लाह ने रखा है उसके ज़रिए से पूरा करो, अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करो, शादी करो बीवियों के ज़रिए से, या अगर कहीं वाक़तन जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह हो और उसमें जो है कहीं वो POWs की हैसियत से मर्द आएँ तो ग़ुलाम होंगे, औरतें आएंगी तो वो लौनियाँ होंगी, तो लौनियाँ अगर मिली हैं तो ठीक है, वो भी जायज़ है, उससे भी तमत्तो कर सकते हो, जिनसी जज्बा अपना पूरा कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा नहीं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग के जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या वो कि जिनके मालिक हैं उनके दाहिने हाथ। ये दाहिने हाथ की मिलके यमीन कहलाती है लौंडी, या गुलाम भी मिलके यमीन है और लौंडी भी है। और लौंडी से बगैर निकाह के तमत्तो हो सकता है और उससे जिनसी अपनी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। वो निकाह तो होता है आज़ाद औरत से। औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो इन लोगों पर कोई मलामत नहीं है। यहाँ पे असल में नफ़ी हो रही है जिसका नाम है दुनिया के अंदर ये जो रहबानियत है। उन्होंने इस इंतहा तक पहुँचाया मामले को कि शादी करना भी बुरा काम है, लिहाजा ये राहिब हैं, ये राहिबाएँ हैं, इन्होंने शादी नहीं की है, न करनी है, ये साधु हैं, ये महंत हैं, ये फलां हैं, ये जो हैं भिक्षु हैं। ये आपको मालूम है हिंदू मत में भी शादी करना घटिया काम है, यानी मजहबी एतबार से, रूहानी एतबार से सेकेंड रेट सिटीजन्स हैं वो लोग जिन्होंने शादी की है। घर गृहस्थी वाले वो तो घटिया लोग हैं, बढ़िया ऊंचे लोग, आला रूहानी लोग, मजहबी लोग तो वो हैं जिन्होंने शादी नहीं की। यही मामला जो है ईसाइयत के साथ है, लेकिन इस्लाम ने आकर उसका रास्ता बंद कर दिया कि जिनसी जज्बा फी नफ्स ही बुरा नहीं है। ये तो अल्लाह ने जैसे आपके अंदर भूख का एक जज्बा रखा है, वो आपकी बका के लिए ज़रूरी है। भूख नहीं लगेगी, खाएंगे नहीं, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ज़िंदगी कैसे चलेगी। यह आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को जारी रखने के लिए, चलता रखने के लिए जो ज़रूरत है आपको ग़िज़ा की, वो ग़िज़ा जो है उसकी तलब आपके अंदर रख दी गई है। आपका पेट जो है वो मांगता है, लाओ, और आप उसके अंदर कुछ ना कुछ डालते हैं। ये ईंधन डालेंगे तो गाड़ी चलेगी ना, इंजन चलेगा, वरना कैसे चलेगा। इसी तरीके से जिनसी जज्बा अल्लाह ने पैदा किया है, इसलिए पैदा किया कि इससे नस्ल चलेगी, बकाए नौ जो है वो इसी से होगा। एक है बकाए ज़ात और एक है बकाए नौ, प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्फ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज़। तो प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है जिनसी जज्बा, शादी। लिहाजा ये शय फितरी है, जायज़ है। अलबत्ता ये मुँह जोर घोड़ा जब अपने हदूद से इधर उधर हो जाए, जब मुँह मारने लगे हर तरफ दाएँ बाएँ, जिनाकारी है, बदमाशी हो रही है, याशियां हो रही हैं, ये मामला गलत है, ये बर्बाद कैरेक्टर को तबाह करने वाली, बर्बाद करने वाली इससे बड़ी और कोई शय नहीं। लिहाजा सिवाय इन दो सूरतों के, या बीवियों के साथ हम बिस्तरी है और या अपनी लौंडियों के साथ, बस इस पर तो कोई मलामत नहीं, किसी के ऊपर कोई आप नहीं कह सकते फलां शख्स ने शादी क्यों कर ली। हमारे यहाँ गलत तरीके हैं लोगों के, कोई शख्स जो है उसकी अहलिया फौत हो गई है, उसकी अपनी उम्र 60 बरस है, अब अगर वो शादी करता लोग उंगलियां उठाते हैं, ये क्या जरूरत पड़ी थी, अब इस उम्र में क्या जरूरत थी, हालांकि ये वो जानता है कि उसे जरूरत है कि नहीं है। अपने कंपेनियनशिप होती है जिंदगी के अंदर जो है, लिहाजा किसी भी मामले में किसी भी मरहले पर शादी को रोक देना और शादी को बुरा समझना यह इंतहाई गलत काम। बेवाओं की शादी का रिवाज हिंदुस्तान में नहीं रहा था, हिंदू जेर असर हम रहे हिंदुओं के, वहां बेवाओं की शादी का सवाल ही नहीं। चुनांचे जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब फैसला किया कि शादी बेवान की निकाह है, बेवगाह के सिलसिले में मुझे वास कहना है जामे मस्जिद दिल्ली में, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे तो अपने घर में उनकी बड़ी हमशीरा जो थी बेवा थी, शादी नहीं हुई थी उनकी, अब वो शाह साहब की भी बड़ी हमशीरा थी, उनकी उम्र क्या होगी। अब शाह साहब ने जाकर हाथ जोड़ दिए कि आप खुदा के लिए मुझे इस पर वास कहना है, और दुनिया ये कहेगी कि ये जो है वास तो कहता फिरता है मौलवी मोहम्मद इस्माइल, इसके अपने घर में बहन जो है वो बेवा बैठी हुई है, खुदा के लिए आप निकाह कर ले। वो एकदम चीखी, क्या बात कर रहा है, मैं इस बुढ़ापे के निकाह करूंगी, लेकिन यह कि बहरहाल उन्होंने दरखास्त की मान लिया। तो निकाह बेवगा वान के हुल आयामा मिनकुम, बेवा औरतें हों या ये कि बिन बीवी के जो है वो शौहर रह गए हों, उनको शादी करनी चाहिए। इस हवाले से शादी में कोई मुलामत नहीं है। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वरा ज़ालिक फउलाइकहुमुल आदून। हाँ, इससे आगे, इससे बढ़कर अगर शहवत रानी कर रहे हैं और इसमें तायुश का जज्बा आ गया है, मुंह मार रहे हैं इधर और उधर, तो वो यकीनन उलाइकहुमुल आदून, वो हद से गुजर जाने वाले हैं, उन पर गिरफ्त होगी, उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वाहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपने अमानतों और अहद की पूरी तरीके से पासदारी करने वाले, ये भी कैरेक्टर के लिए बहुत लाजमी शय है। जो भी अमानत है उसका हक अदा करना, और जो वादा किया है उस वादे को पूरा करना। फरमाया हुजूर ने इद्दतुल मोमिन का खदिल कफ, एक मोमिन का वादा कर लेना तो ऐसे जैसे कि हाथ आपका उसने पकड़ लिया हुआ है जिससे आपने वादा किया, आप कहाँ जाएंगे अब, चाहे उसने हाथ नहीं पकड़ा हुआ लेकिन वादा किया हुआ, तो ऐसे गएगा आपका हाथ उसके हाथ में, आप कहीं जा ही नहीं सकते, हिल नहीं सकते। इद्दतुल मोमिन का खदिल कफ, और यह कि इन्ना लाहदा काना मसूला, अहद के बारे में अल्लाह के यहाँ बात पुरस होगी कि तुमने वादा किया था पूरा नहीं किया। तो अमानात और अहद, और यह आपको मालूम है एक हदीस बड़ी प्यारी, बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी हदीस, उसके रावी हजरत अनस इब्न मालिक हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें 9 साल की उम्र में उनकी वालदा छोड़ गई थी हुजूर की खिदमत में कि ये बच्चा आपके पास रहेगा, आपके साया आतिफत में परवान चढ़ेगा, आपकी खिदमत करेगा। तो ज़ाती खादिम की हैसियत से 9 साल तक हजरत अनस रहे हैं हुजूर के साथ। वो ये कहते हैं कल्लमा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ाल ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई खुतबा इरशाद फरमाया हो और उसमें ये अल्फाज ना फरमाए हों, जिस शख्स के अंदर अमानत दारी का वश नहीं उसका कोई ईमान नहीं, और जिस शख्स के अंदर इफा अहद नहीं उसका कोई दीन नहीं। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, कोई दीन, कोई ईमान नहीं उसका जिसमें अमानत दारी नहीं। वला दीन लिमन ला अहद लहू, जिसके अंदर अहद को वफा करना, अहद को पूरा करना नहीं है, उसका कोई दीन नहीं। आखिरी बात वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम कायमून, ये वहाँ सूरह मोमिनून में नहीं है, यहाँ इजाफी तौर पर है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वाहदिहिम राऊन, ये भी बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में सूरह मोमिनून के अंदर मौजूद है, लेकिन यह कि यहाँ पर इजाफी शय जो आई है वो मुआमलात इंसानी के अंदर वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम कायमून, अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले। गवाही बहुत बड़ी शय है, इसलिए कि गवाही देना जो है दुनिया में किसी वकूए के वक्त आप मौजूद थे तो आपके जिम्मे है अब उसकी गवाही देना, ताकि अगर कोई मुजरिम है तो उसे सजा मिले, कोई मजलूम है तो उसकी दादरसी हो सके। ये गवाही एक अमानत है, ये भी अमानत है दर हकीकत। और इसी तरीके से बहसियत उम्मत मुस्लिमा हमारे पास अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब, ये दर हकीकत इसकी गवाही देना ये हमारे ऊपर लाजिम है। जैसे कि यहूद के बारे में कहा गया कि उन्होंने अपनी गवाहियों को छुपा लिया, वमन अज़लम मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिल अम्मा तअमलून। उनसे बढ़कर जालिम कौन होगा जिन्होंने एक गवाही, एक शहादत जो उनके पास अल्लाह की तरफ से थी उसे छुपा लिया। तो ये शहादत हक जो है ये उम्मत मुस्लिमा का फर्ज मनसबी है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने तुम्हें एक उम्मत वसत, दरमियानी उम्मत बनाया ही इसलिए है ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम इंसानों पर गवाह हो। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून। जैसा कि मैंने अर्ज किया था ये तमाम औसाफ जो हैं इनमें अव्वल व आखिर नमाज है। इसका क्या तस्वुर सामने आया कि गोया कि एक हिसार है, एक दायरा खिंच गया है नमाज का, पहले भी नमाज आखिर में भी नमाज। यही सूरह मोमिनून में है, क़द अफ़्लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और आखिरी शे वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, मुहाफ़ज़त नमाज की हिफाजत करना, कोई नमाज जाती न रहे, ज़ाय ना हो जाए, वक्त से अलहदा ना हो जाए, और यह कि उसमें हत्तल इम्कान नमाज बाजमात अदा की जाए, वो मुहाफ़ज़त होगी। यहाँ भी इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दायमून, बात वहाँ से शुरू हुई थी। पहला वर्ष भी वही है और आखिरी क्या है, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। और वो लोग के जो अपनी नमाजों की मुहाफ़ज़त करते हैं, पूरी तरह चौकस रहकर पहरा देते हैं, कोई नमाज ज़ाय ना होने पाए, कोई नमाज ऐसे ना हो कि हम बगैर जमात अदा कर रहे हैं, कोई मजबूरी हो गई है बात और है, सफ़र में है तो बात और है, कहीं इंसान ऐसे मौके पर है कि जहाँ पर मुमकिन ही नहीं है, उसके लिए मामला अलहदा हो जाएगा। लेकिन यह कि आम हालात में कोई नमाज जो है बाजमात ऐसी ना हो कि जो आप जमात के साथ अदा न करें, ये मर्दों का मामला, औरतों के लिए नहीं, औरतें घरों में नमाज अदा करें। उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून, ये वो लोग हैं जो जन्नतों में होंगे और जिनका एजाज़ व इकराम किया जाएगा। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें ये तमाम सिफात अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। इन सिफात से वो सहाबा किराम तैयार हुए थे, वो मजबूत शख्सियतें जो यूँ समझिए चट्टान के मानिंद, कहीं मजाल है किसी की मुखालफत और किसी की तरफ से दुश्मनी जो है उनके पाए सबात में लग़ज़िश ला सके, इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग हुई थी इन उसूलों पर। ये बुनियादें हैं, ये कॉर्नर स्टोन्स हैं फॉर द बिल्डिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ए मोमिन, जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं मर्द मोमिन। मर्द मोमिन की शान क्या है, उधर हकीकत ये इस मकाम पर, और ये बुनियादें हैं, इनकी बुनियादों के ऊपर। अब एक नमाज फ़र्ज है, वो तो युहाफ़िज़ून, मुदावमून, दायमून, ये सब जो है नमाज फ़र्ज के लिए। इससे ऊपर है नमाज तहज्जुद की, इससे ऊपर है नफली नमाजें और ऊपर है। ये फाउंडेशंस हैं, ये बुनियादें हैं। इन बुनियादों में से एक की भी कमी होगी तो सीरत बोदी होगी, कच्ची होगी, कमज़ोर होगी, इंसान में किरदार की और अखलाक की कोई ताकत होगी ही नहीं। ये सारी बुनियादें जो है अपनी जगह पर पुख्तगी के साथ कायम हो तो जो इंसानी शख्सियत वजूद में आएगी वो एक बहुत अजीम शख्सियत होगी, मर्द मोमिन। फमाल लजीन कफरू क़िबल का मुहतईन। अब ये वो जो नक्शा है, जैसा कि शुरू की आयात थी ऐसे आखिरी आयात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खड़े होते थे मक्का मुकर्रमा में किसी जगह पर, या कहीं हज के मौके पर आप जाते थे, या कहीं वो कास के बाजार में गए हैं, वहाँ आप कुरान पढ़कर सुनाते थे लोगों को, तो जैसे ही उनके जो दुश्मन थे उन्हें मालूम होता था कि मोहम्मद वहाँ आ गए हैं, खड़े हैं, और वहाँ वो अब तकरीर शुरू करेंगे, दौड़ लगा के आते थे आपकी तरफ ताकि वहाँ जाकर शोर करें, हंगामा करें, हूटिंग करें, फिक्रे चुस्त करें, आपकी बात जो है लोगों को सुनने न दें। फमालिल लज़ीना कफरू क़िबलक मुहतईन। ए नबी, इन लोगों को, इन काफिरों को क्या हो गया है, आपकी तरफ दौड़े हुए चले आ रहे। अनिल यमीन वानिल शिमाल अज़ीम, दाहिनी तरफ से भी बाईं तरफ से भी, गिरोह दर गिरोह, अम्बोह दर अम्बोह चले आ रहे। किस लिए आ रहे? अयतमा कुल्लु मरइम मिनहुम अन यदखुला जन्नत नईम। क्या इनमें से हर शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद है कि ये जन्नत नईम में दाखिल कर दिया जाए? नहीं, ये उसकी ख्वाहिश नहीं है। यानी एक तो ये है कि लोग लपक कर आ रहे हों कि हम चलें सुने मोहम्मद क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि हम तस्दीक करें, हम उसके ज़रिए से अपने ईमान में इजाफा करें, ताकि अल्लाह ताला जो है हमें जन्नत में दाखिल करे। ये जो आने वाले हैं इस तरीके से, ये जो दौड़ कर आ रहे हैं सरपट और आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे कि इन्हें हिदायत मतलूब है या ये चाहते हैं कि इनके दिल रोशन हो जाएं नूर ईमान से। नहीं, आयतमा कुल्लु मरियम मिनहुम युदखला जन्नतन नईम, क्या इनमें से हर शख्स जो है इस बात का ख्वाह है कि वो जन्नत नईम में दाखिल हो जाए? इसको कहेंगे हम सवाल इनकारी कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, अब यह कि इंसान की असल हकीकत क्या है, ये फन्ने खां जो बना फिरता है और जो अल्लाह ताला को भी चैलेंज कर बैठता है और रसूलों को तकलीफ देता है और इज़ा पहुंचाता है, इनकार करता है, रद्द करता है, इस्तेहज़ा करता है, ये क्या है? इसकी असल हकीकत क्या है? कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, कुछ नहीं, हरगिज़ नहीं, यकीनन हमने उन्हें पैदा किया है उस चीज़ से जिसको ये खूब जानते हैं। मिम्मा यालमून, किस चीज़ से पैदा किया? गंदे पानी की एक बूंद से पैदा किया ना। क्या है तुम्हारा नुक्ता आगाज? वो मनी की एक बूंद, उसी से पैदा किए गए हो। कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब इन्ना लक़ादिरून, तो नहीं मैं कसम खाता हूं मशरिकों और मगरिबों के रब की कि हम लाज़िमन कादिर हैं इस बात पर, अला नुबद्दिल खैरम मिनहुम, कि हम इनसे बेहतर बदल दें, वमा नहनु बिमस्बूकीन, और इसमें हम जो है आजिज रहने वाले नहीं हैं। ये मजमून भी ज़रा मुख्तलिफ है तफसीरी एतबार से। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम इनको हटाकर इनसे बेहतर कौम ले आएंगे, ये भी अपनी जगह पर मजमून है। ये काफिर जो है क्या ये समझते हैं कि अल्लाह ताला का काम इन्हीं पर रुका हुआ है कि अगर यही ईमान लाएंगे तो काम होगा? नहीं, अल्लाह ताला इन सबको हलाक कर दे और किसी और कौम को ले आए। और ये आयत भी मौजूद है सूरह मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम इन ततवल्लाओ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे, रूगर्दानी करोगे, जो मिशन हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं उसके लिए उसका हक अदा करने के बजाय उससे मुंह मोड़ लोगे तो हम तुम्हें हटाएंगे, किसी और कौम को ले आएंगे। एक ये मफहूम भी इसका हो सकता है कि हम इनसे बेहतर लोग ले आए। फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब इन्ना लक़ादिरून अला नुबद्दिल खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमस्बूक़ीन। लेकिन यही मजमून जो है सूरह वाक़िया में भी आया है, वहां जरा तरतीब उल्टी है। वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला नुबद्दिल अम्सालहुम वनुनशिअकुम मिम्मा ला तालमून। अब वहां पर जो उससे दोनों का अगर हम देखें तो मालूम होता है कि इससे मुराद असल में, ये मेरी राय ये है और बहुत से हजरात की और की भी राय है, मैं उनकी राय और अपनी भी राय आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये जो बासे बादल मौत होगा, इसमें जो हमें जिस्म दिए जाएंगे वो ये जिस्म नहीं होंगे कि जो इस वक्त मेरा और आपका है। ये जिस्म जो है ये तो जाहिर बात है हर आन बदल रहा है। अब मेरा जिस्म आज से 50 साल पहले क्या था, जब मैं 20 बरस का जवान था तो मेरा क्या जिस्म था, आज मेरा जिस्म क्या है, मेरी कौन कौन से टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर बड़ी कमज़ोरी आ चुकी है, ज़ोफ़ आ चुका है। मेरे स्याह बाल होते थे, अब सफ़ेद हो गए हैं। तो ये जिस्म जो है, खून हर वक्त उसके खुलियात मरते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं। कुछ अरसे के बाद बिल्कुल नया खून होता है, वो खून नहीं होता जो आपके जिस्म में इस वक्त है। कुछ अरसे के बाद इसका एक बूंद भी आपके जिस्म में नहीं होगी, नया खून बना होगा उसकी जगह पर। तो ये जिस्म तो हर वक्त बदल रहा है। और ये कि ये जिस्म जो है खाक में मिलकर खाक हो जाएगा। अब उसके बाद हमें एक और जिस्म दिया जाएगा, होगा इस जैसा बल्कि इससे बेहतर। बेहतर वही माना कि उस जिस्म के अंदर जो सलाहियतें होंगी वो आज इस जिस्म में नहीं है। हमारी खाल जल जाए, जाहिर बात है कि वो खाल तो नहीं आएगी दोबारा। वहां क्या है, हम उनकी खालें झुलस जाएंगी तो और खाल दे देंगे। यहां आग जलाती है, मर जाते हैं, वो आग मरने भी नहीं देगी। ला तुबकी वला तज़र लवाहतुन लिलबशर, मरने भी नहीं देगी। ला रबूत फीहा वला यहया। इसी तरीके से यहां आग के अंदर हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई दरख्त उग रहा हो। वहां होगा ज़क़ूम का दरख्त होगा, जहन्नम के ऐन निचले तबके से वो उभर कर आ रहा होगा। तो ये जो आलम है दूसरा है, हमें जिस्म मिलेगा दूसरा। बल्कि यहाँ तक भी आता है, एक लतीफ़े के तौर पर भी हुजूर कभी कभी मजाक भी फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बूढ़ी खातून ने हुजूर से कहा, हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। हुजूर ने फरमाया, बड़ी भी बूढ़ी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। अब उस बेचारी का क्या हाल हुआ होगा, उसका चलिए दिल बैठ गया, लेकिन उसके बाद आपने तबस्सुम के साथ फरमाया कि जवान करके दाखिल करेंगे तुम्हें, जिस्म जो मिलेगा वो दर हकीकत ये बुढ़ापे वाला जिस्म नहीं होगा, ये तो निकम्मा जिस्म हो गया है। वमन नुअम्मिर हो नुनक्किसो फिल खल्क, जिसको कि हम उम्र ज़्यादा दे देते हैं उसकी खिलकत के अंदर, तखलीकी सलाहियतों के अंदर कमी हो जाती है। बुढ़ापा आया, झुर्रियाँ पड़ गई और कवा जो है ज़ईफ़ हो गए। नहीं, जवान करके दाखिल करेंगे तो वो जिस्म जो मिलेगा दर हकीकत वो बैन ही ये जिस्म नहीं होगा जो मेरा आज है, या ये कि आज से 10 साल पहले था वो और जिस्म था, उससे भी 10 साल पहले था वो कुछ और जिस्म था। तो लेकिन इस जैसा जिस्म होगा, लेकिन इससे भी बेहतर होगा, उसके अंदर जो है एंड्योरेंस जो है बर्दाश्त करने का मादा बहुत ज़्यादा होगा हमारे इस जिस्म की निस्बत। तो फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब, कुरान मजीद में मशरक़ और मग़रिब वाहिद भी आया है, और मशरक़ैन मग़रिबैन रब्बुल मशरक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन सूरह रहमान में आया है, तस्निया का सीगा, और यहाँ जमा आया है रब्बुल मशारिक़ वल मग़ारिब। ये सब चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं। सूरज के तुलू होने की जगह भी एक नहीं है। आज सुबह जिस जगह सूरज तुलू हुआ है कल उस जगह नहीं होगा, खुद हमारे हिसाब से भी। वो ज़रा सा या ऊपर या नीचे की तरफ जो है, सूरज भी तो गर्दिश करता है ना, ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो आज का मशरिक़ और है, कल का मशरिक़ और होगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा जिसको कि हम नहीं महसूस करते। वो जो सर्दियों में तो हो जाता है कि वो सूरज जो है वो बहुत दूर जुनूब में चला गया, और गर्मियों में जो है हमारे सरों के ऊपर आया हुआ होता है, तो ये तो होता है। लेकिन ये कि रोज़ाना फ़र्क था, जाहिर बात है कि ये फ़र्क जो पड़ता है इतना बड़ा, ये एक एक जैसे एक एक सेकेंड के ज़रिए से 1 घंटा बन गया, इसी तरीके से वो हर रोज़ जो है एक नया मशरिक़ है, नया मग़रिब है। तो मशारिक़ वल मग़ारिब जमा के सीधे से फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब, तो नहीं, मैं कसम खाता हूँ तमाम मशरिक़ों के रब और आका और मालिक की भी, और तमाम मग़रिबों के रब और आका और मालिक की भी। इन्ना लक़ादिरून, हमें कुदरत हासिल है, ताकत है हमारे अंदर, अला नुबद्दिल खैरम मिनहुम, कि हम इनसे बेहतर लोग बना कर ले आए। वमा नहनु बिमस्बूक़ीन, और हम इसमें आजिज़ नहीं हो गए हैं। फ़ज़रहुम, तो ए नबी इनको छोड़िए, दफ़ा कीजिए। यख़ूज़ू व यलअबू, ये बारीक बीनियाँ करते रहें, मीन मेख निकालते रहें, हंसी मजाक में लगे रहें, खेल करते रहें, खिलाड़ियाँ करते रहें, जो कुफ़ार कर रहे थे। संजीदगी से सुनते ही नहीं थे, न सुनते थे न सुनने देते थे। शोर मचाया, हूटिंग की, हंगामा किया, और कोई दरमियान में जो है वो दखलंदाजी कर रहे हैं। तो ऐ नबी करने दीजिए, जो कुछ ये कर रहे हैं करने दीजिए, क्योंकि पहले भी आ चुका, सब्र कीजिए, झेलिए, बर्दाश्त कीजिए। फसबिर सब्रन जमीला, इनकी जब तक मोहलत है हमारे यहाँ, हमारी मशीयत में, हमारी हिकमत में जो मोहलत है वो मोहलत पूरी होगी, तभी पकड़ आएगी, तभी अजाब आएगा, उससे पहले नहीं। फला ताजल अलैहिम, तो आप उनके ऊपर जल्दी ना कीजिए, उन पर अजाब के लिए जल्दी ना कीजिए। साल साइलुम बेअज़ाबिम वाक़े लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़े मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना फ़स्बिर सब्रन जमीला, सब्र कीजिए। फ़ज़रहुम, छोड़ दीजिए इनको, करने दीजिए जो कुछ कर रहे हैं। फ़ज़रहुम यख़ूज़ू व यलअबू, खौस कहते गौर व खौस करना, खामखा मीन मेख निकालना, बाल की खाल उतारना। गौर अच्छे सेंस में इस्तेमाल होता है, खौज अच्छे सेंस में इस्तेमाल नहीं होता। फ़ज़रहुम यख़ूज़ू व यलअबू, और खेले, मजाक, इस्तेज़ा, तमस्खुर जो हुजूर का करते थे। हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल लज़ी युअदून, यहाँ तक कि इनकी मुलाकात हो जाए उनके उस दिन से जिस दिन का कि इनसे वादा किया जा रहा है, वो क़यामत का दिन आएगा। यौम यख़रुजून मिनल अजदासि सिरान, जिस दिन के ये अपनी कब्रों से निकलेंगे दौड़ते हुए, यानी जैसे इस वक्त ये आते हैं दौड़ते हुए आपको सताने के लिए। आपकी महफिल में, गुफ्तगू में खलल डालने के लिए, इस्तेहजा के लिए दौड़कर आ रहे हैं इस वक्त। फमालिल्लज़ीन कफरू क़िबलक मुहतिईन अनिल यमीन वानिश शिमाल अज़ीन, ऐसी ही दौड़ लगेगी क़यामत के दिन। हर शख्स अपने कब्र से निकलकर भागेगा, इसलिए कि एक तरफ से जो सूरज फूंक रहा होगा ऐन उसी की सीध में जाएंगे लोग, सब के सब वहीं पर जाएंगे। ऐसे महसूस होगा कि जैसे कोई दौड़ लगी हुई है और कहीं कोई निशाना है कि जिसके ऊपर सबको पहुंचना है, और जो पहले पहुंचेगा गोया कि वो जीत गया। यौम यखरुजून मिनल अजदास सिरान, जिस दिन के ये निकलेंगे अपनी कब्रों से दौड़ते हुए, कान्नहुम इला नुसबी युफिजून, ऐसे गोया कि वो अपने निशानों के ऊपर मुकाबला कर रहे हों, दौड़ रहे हों, दौड़ लगा रहे हों, दौड़ में मुकाबला कर रहे हों। खाशिअतन अबसारुहुम, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी शर्म के मारे, खजालत के मारे, खौफ से, जमीन में गड़ी हुई जिसको हम कहते हैं। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, उनके चेहरों के ऊपर जिल्लत छाई हुई होगी, उनके ऊपर कसमपुर्सी, जिल्लत, कमजोरी, ज़ौफ, लाचारपन, ये कैफियत जो है वो तारी होंगी। तरहकुहुम जिल्ला ज़ालिकल यौमुल लज़ी कानू युअदून, ये है वो दिन कि जिस दिन का उनसे वादा किया जाता था। ये है वो क़यामत का दिन जो शुदनी है, जो आकर रहेगा, जिसके लिए हमें सबको तैयारी करनी है। जैसा कि कह रहे थे मेरे अजीज़ दोस्त, इससे पहले हमें उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होनी है, आज भी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल चंद गुजर जाएं, लेकिन ये कि जब ये गुजर जाएंगे मालूम होगा हर एक को कि बस सिर्फ चंद दिन या रहे हैं दुनिया के अंदर, ये चंद घड़ियां रहे हैं बस। लेकिन यह कि फिर अबदी ज़िंदगी जो है वो आखरत की ज़िंदगी, वो हमेशा की ज़िंदगी है, दायमी है। व इन्नहा लजन्नतुन अबदा व लनारुन अबदा, हुजूर ने फरमाया अपने खुतबे में, या तो फिर वो जन्नत है हमेशा हमेश के लिए, और यह आग है हमेशा हमेश के लिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नह मअल अबरार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। कर सकते हो होगा। हमारे पास अफिकाएँ हैं इस सिलसिले में, मैंने दरख्वास्त की है कि गुजरात में आज के लिए खड़े हैं 2000 डॉक्टर से आज के दर्ज के बारे में, आज के दर्ज के बारे में डॉक्टर ने दर्ज किया है, उसी के बारे में कोई बात नहीं है, वो आप पूछते हैं तरीका याद ये होगा कि आप रेफरेंस दिया जाएगा, उसका सवाल लिखिए, अपना नाम लिखिए, और आपकी अहम चीज है कि कोई फितई सवाल नहीं है, सवाल का ताल्लुक आज के दर्ज के बाद, इसके लिए हम अपना सवाल लिखें। मैं आपको ऐलान है सबसे पहले तो उस तरह आपको देखा अलहमदुल्ला ये हमारा सिलसिला महान सिलसिला है, और हर महीने के करीब बार डॉक्टर तस्वीर लाते हैं, और मैं आप तमाम पाकिस्तान डॉक्टर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सियाना शादी के बावजूद और तमाम हवाले के बावजूद वो यहाँ हर महीने इन शख्स को बर्दाश्त करते हैं, खासतौर पर हमें तालीम कुरान हमें सिखाने के लिए। हम सब शुक्रगुजार हैं इस सिलसिले में, हमने कुरान हकीम का अगर कुछ भी मफहूम सीखा, कुछ भी सबका समझाया, डॉक्टर साहब ने जो है इसमें हिदायत की, डॉक्टर साहब ने सिखाया, डॉक्टर साहब का हिस्सा है हमारी बहुत किस्मत है। डॉक्टर साहब के लिए अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को मजीद बनते बरकरार फरमाए ताकि इस साल ताज़े जारी रहे। डॉक्टर साहब के जो दूसरे किताबात होते हैं आपको पता है, लाहौर में डॉक्टर साहब ने हजूबे को डॉक्टर साहब का पढ़ाते हैं, उसमें मुल्की हालात भी दर्जा होता है, उसमें दीन के अहम मौजूद पर भी किताब होती है। लिहाजा उस सिलसिले में इस्लाम से चंद महीने से शुरू कर दी गई है जिहाद के हवाले से और मुख्य मामला के हवाले से। डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर बड़े अहम किताबात की, हकीकत जिहाद, जिहाद की सदीला, ऐसे मौजूद पर आजकल ईमान के ऊपर डॉक्टर साहब किताब पढ़वा रहे हैं। जब मैं पहले कल भी परसों किताब का इतफाक़ के मौजूद पर था। इसके लिए आपको अगर डॉक्टर साहब की फिक्र से अपने आप को आप हमारे मकसद का नाम और पता और आपके घर में चंद दिनों बाद डॉक्टर साहब किताब होता है वो जाए गूगल पर पहुंच जाएगा। जैसे आपकी दिलचस्पी के बाद तो हमारी तंजीब का अपना एक वेबसाइट भी है www.tanzeeb.org। उस पर आप डायरेक्ट अगर आपका कंप्यूटर की फैसिलिटी मौजूद है, इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, तो आप डायरेक्ट तकरीबन डॉक्टर साहब का किताब जुड़ने को खत्म हो जाता है 1:30 बजे शाम ही उसी दिन शाम के वक्त 7-8 बजे तक तकरीबन से पहले वो लोड कर दिया जाता है। तो ये बड़ी फैसिलिटी अलहमदुलिल्लाह में अवेलेबल है। जो हजरात कैसे तरफ को उसके लोग अपने घर में बैठ कर आप सुन, तो इससे ज्यादा और भी मैं सकता हूँ हमारे लिए हमारे पास हमको उलझ नहीं रहा। डॉक्टर साहब की तमाम किताबात साहब होगी, बल्कि साथ साथ ऑडियो कैसेट्स भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सीरीज भी ले आए और उनमें से अक्सर मेजर किताबात डॉक्टर साहब में आपको डायरेक्ट इंटरनेट कर जैसा जो कैसेट क्लब की जो क्या नाम है हमारी स्कीम है आपका स्वागत। उसके बाद देखिए आप दर्ज है सभी ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट अभी आपके सामने यहाँ वीडियो बन रहा था। आप अगर इसको कैसे हासिल करना चाहते हैं तो गाड़ी इंशाल्लाह आपको इसका कैसे दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे जो महाना या हफ्ते वाराना दावती प्रोग्राम है हसीला के साथ करता हूँ। कराची बहुत बड़ा शहर आपको पता है, तो हमने पूरे मकाम पर ये दुकान का सिलसिला रखा हुआ हमारे दावती समाज होते हैं। इसमें हर माह के दूसरे पार्ट को सुबह 11 बजे बी एंड पी मैरिज हॉल राशि के लिए वहाँ पर ये हर माह के दूसरे पार्ट को सुबह 11 बजे वहाँ का सिलसिला इस तरह हर माह के दूसरे पार्ट को सुबह 11 बजे गुलिस्तान हदीस कॉलेज जो शीला रोड पे है वहाँ पे हमारा दावती प्रोग्राम होता है कुरान। और जिस तरह हर माह के चौथे बार नाजाबाद में और नाजाबाद में नोबल पॉइंट मैरिज हॉल में नर्स वहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम होता है और ये सब प्रोग्राम सुबह 11 बजे पार्ट होते हैं। इन प्रोग्राम के अलावा हर माह के चौथे जुम्मे को नमाज ईशा इस्लामी और नमाज ईशा इस्लाम चौक और गाँव में भी 11:30 बजे से प्रोग्राम होता है। इसी मुकाम पर हर माह के तीसरे हफ्ते वाले दिन 9:30 बजे यहाँ इस मस्जिद में हर महीने के तीसरे रात को शादी का प्रोग्राम होता है 9:30 बजे से लेकर 11 बजे जमा होते हैं। उसमें दरअसल कुरान का प्रोग्राम होता है, कुछ मुतालिस होता है, साथ साथ तालीम इस्लाम के वाक़ात होते हैं वो पढ़। उसके बाद आप रात की मस्जिद में काम कीजिए सामने उसके बाद सुबह होने से पहले भी प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद सुबह नमाज नहीं आप इसके बाद 8:30 बजे प्रोग्राम दोबारा शुरू होता है और फिर वो 10:30 बजे तक होता है। तो ये आप हजरात के लिए एक और अच्छा मौका है जो खास तौर पर गरीब हजरात हैं उनके लिए। इसके अलावा दो और प्रोग्राम है हर माह के आखिरी हफ्ते वाले दिन हमारे साहब को ये काउंसिल ऑफिस के लिए होता है दूसरे हफ्ते वाले बाद छोटा गेट 10 माला के अब सवाल हमारे पास जमा होना शुरू हो रहे हैं। जल्दी करेगा ताकि सवाल जल्दी लें और टाइम बहुत कम है और एक सवाल आ गया। डॉक्टर अनवर अहमद अब्बासी साहब क्यों भाई ये ऑन नहीं है? जरा ऑन कीजिए जरा। डॉक्टर अनवर अहमद अब्बासी साहब ने पूछा है कि क्या 4 शादियां रोकना जायज़ तरीक़े को रोका ना गया है? नहीं, 4 शादियों से नहीं रोका गया है। 4 शादियों में ये कहा गया है कि अगर 1 से ज़ायद शादी हो तो तमाम बीवियों के साथ अदल से काम लेना ज़रूरी है। वो ये है कि आप जो भी वक्त गुजारें और जो भी खर्चा दें वो सबको बराबर दें। तो मसना व सुलासा व रुबा 2-2, 3-3, 4-4 की हद तक इस्लाम में शादियों की इजाज़त है और इसमें कोई किसी के ऊपर एतराज़ और कोई किसी के ऊपर जो है तनकीद नहीं की जा सकती। मोहम्मद याकूब साहब हक़ुल यकीन हासिल नहीं होता। करोड़ों रुपए होने के बावजूद खर्च फ़ी सबीलिल्लाह में आसानी के लिए कोई सबील बताइए। इल्म तो हासिल होता रहता है, अमल के लिए क्या किया जाए। असल में इल्म और यकीन ये दो ज़रा जुदा चीज़ें हैं। इल्म तो ये है कि आपको कोई चीज़ मालूम हो गई, एक ये कि आपको उस पर यकीन भी आ गया। यकीन अगर आपको आ जाएगा तो फिर तो ये सब काम आसान हो जाते हैं। आदमी को यकीन हो कि मैं यहाँ पर अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करूँगा तो मुझे 700 रुपये मिल जाएंगे आखिरत के अंदर, तो कौन बेवकूफ़ आदमी है जो खर्च नहीं करेगा? वो तो बेवकूफ़ होगा, फिर काहे के लिए अपने पास रखेगा? ये तो हिमाकत होगी। इसलिए यकीन की बात है असल में कि यकीन पैदा करे नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फकूरी। तो मालूमात और इल्म से नहीं होता दर हकीकत मामला, जो यकीन से। अब यकीन कैसे पैदा किया जाए, उसके लिए एक रास्ता तो ये है कि साहिब यकीन लोगों की सोबत इख्तियार की जाए, जिनमें यकीन है, जिनकी ज़िंदगी गोया कि सबूत है इस बात का कि उनके अंदर यकीन मौजूद है। उनका अगर आप कुर्ब रखेंगे, उनके पास रहेंगे, उनके साथ सोबत इख्तियार करेंगे तो आपके अंदर भी यकीन पैदा होगा। एक ये है कि दीन पर जितना अमल आप करते जाएंगे उतना ही यकीन में भी इजाफा होगा। और तीसरा जो श्योर शॉर्ट रास्ता है वो ये है, कुरान मजीद इतनी अरबी सीख कर कुरान पढ़िए कि जिससे आप बराह रास्त कुरान के मफहूम को समझते चले जाएं, तर्जुमा देखने की ज़रूरत ना हो। अगर आप बराह रास्त कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो कुरान मजीद आपके अंदर यकीन भर देगा। ये दर हकीकत जो है सबसे ज़्यादा शोर शॉर्ट तरीक़ा है। जी डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब, क्या रूह सिर्फ इंसानों में है? क्योंकि हज़रत जिब्राइल के लिए भी रूह का जिक्र किया गया है। यूँ समझिए कि फरिश्ते तो सिर्फ रूह हैं, उनका कोई मादी वजूद है ही नहीं, वो रूहानी ही रूहानी है। हम जो हैं हमारे अंदर रूह भी है और मादी वजूद भी है, ये हैवानी वजूद भी है हमारा। ये खाकी है, ज़मीन से बना है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। साइंस भी ये कहती है कि जितने भी जानदार दुनिया में हैं उन सब का ओरिजिन क्या है? क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो ये मिट्टी पैदा हुई, इसके ठंडे होने के नतीजे में, जैसे अंगारा जो है ठंडा होता है तो उसके ऊपर राख आ जाती है, राख जो है वो ठंडी होती है, अंदर अंगारा है, ज़मीन अंदर से अब भी अंगारा है। ये जो निकलता है लावा, जो कभी आतिशफशां फटता है तो क्या निकलता है अंदर से? आग ही निकलती है ना। तो ज़मीन के पेट में अब भी आग ही है, लेकिन यह है कि इसके ऊपर क्रस्ट आ गया है। ये इस क्रस्ट से तमाम जो है तख्लीक हुई है। कुरान भी कहता है मिन तुराबिन मिन तीन, तुम्हें हमने मिट्टी से पैदा किया या गारे से पैदा किया। लेकिन रूह जो है वो अल्लाह ताला के ख़ास हुक्म से पैदा हुई है। और ये रूह जो है ये इंसानों में है और फरिश्ते रूह महज है, उनमें रूह ही रूह है, उनमें ये जिस्मानी जो है उनका मादी वजूद नहीं है। और बाकी जिन्नात में रूह नहीं है, हैवानात में रूह नहीं है। डॉक्टर शफीकुर रहमान अंसारी साहब, डॉक्टर हजरात काफ़ी आ रहे हैं यहाँ माशाल्लाह। आपने रूह के बारे में फरमाया कि ये अमर रब्बी है, क्या ये तमाम जानदारों में मौजूद है या सिर्फ इंसानों में है? जानदारों में जिंदगी है, हमारे अंदर भी जिंदगी भी है लेकिन रूह भी है। जिंदगी और शय है और रूह जो है वो दूसरी शय है। कुत्ते में, बिल्ले में जो जान तो मौजूद है लेकिन रूह नहीं है। रूह सिर्फ इंसान के अंदर फूंकी गई है, या फरिश्ते हैं कि जो मुजर्रद रूह है, वो रूह ही रूह है, और या फिर इंसानों की अरवाह है, वो रूह है। बाकी और हैवानात में जो है वो रूह मौजूद नहीं है। जिंदगी है, जिंदगी तो आपको मालूम है नबातात के अंदर भी है। जी अमानुल्लाह साहब, सिंध और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वालदैन अपनी लड़कियों को बेचते हैं, ऐसी सूरत में उनसे बग़ैर निकाह के रुजू किया जा सकता है? इस सिलसिले में इनायत तफसील के साथ फरमाएं। लड़कियों को बेचना जो है किस मानी में है? एक तो असल में इस शक्ल में होता है कि वो मेहर मांगते हैं और मेहर अपने पास रख लेते हैं, हालांकि वो लड़की का हुक्म होता है। वो भी गुनाह है, ये पठानों के अंदर भी है और शायद ये सिंध के अंदर, मुझे सिंध में मालूम नहीं था कि ऐसा होता है। लेकिन ये कि लड़की को अगर किसी ने बेचा है तो उससे आप जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते, बिल्कुल उसके साथ निकाह करें, निकाह के बाद आप ताल्लुक कायम करेंगे। वो आपकी लौंडी नहीं है, लौंडियाँ सिर्फ वही होंगी जो खालिस जिहाद फी सबीलिल्लाह हो और उसमें वो औरतें गिरफ्तार हों और उनको मुसलमानों में तकसीम किया जाए। लौंडियाँ सिर्फ वो हैं। यह इंसानों को पकड़ कर, जो अमरीकनों ने किया था कि अफ्रीका से पकड़ पकड़ कर लोगों को और लोहे की जंजीरों में बांध कर ले गए अमरीका और उन्हें गुलाम बना लिया और उन्हें जो है अपने स्लेव्स के तौर पर इस्तेमाल किया, तो ये तो गलत है। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। किसी आज़ाद इंसान को पकड़ कर आप बेच नहीं सकते और किसी को आप इस तरीके से, चाहे वो आपकी बेटी हो, फरोख्त नहीं कर सकते। हाँ, ये दूसरी बात है कि किसी ने वो मेहर लिया और वो रख लिया अपने पास, वो भी गलत काम है, लेकिन वो बहरहाल इतना बुरा नहीं है कि उसका मतलब ये हो कि उसने लौंडी बना दिया। लौंडी नहीं, उससे निकाह होगा और निकाह के बगैर उससे जायज़ नहीं है कोई ताल्लुक। मुनाफिक और मॉडरेट मुसलमान में क्या फ़र्क है? अगर नहीं है तो नऊज़ुबिल्लाह इस मुल्क के फिर सारे लोग काफिर हैं, क्योंकि हुकूमत का यही प्रोपेगेंडा हो रहा है। नहीं, असल में हम मुनाफिक और काफिर नहीं कहेंगे। हम जो मुसलमान इस वक्त हैं, इस मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी, उनमें बहुत बड़ी अक्सरियत तो ऐसे लोगों की है जिनके पास ना ईमान है ना निफाक है, बल्कि ज़ीरो है। आपको मालूम है कि ग्राफ बनता है तो दरमियान में ज़ीरो है, इधर +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4, माइनस निफाक है प्लस ईमान है। तो जीरो के इधर चलेंगे तो ईमान होगा, +1 +2 +इन्फिनिटी, उधर जाएंगे तो +1 -2 इन्फिनिटी, ये निफाक है। लेकिन जीरो में ना निफाक है ना ईमान है। ये भी कुरान मजीद में सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 से साबित है। क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। ये बद्दू कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए, ए नबी इनसे कहिए तुम ईमान नहीं लाए हो, लेकिन जो कह सकते हो कि हम इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए। तो हम मुसलमान हैं, ना मोमिन हैं ना मुनाफिक हैं, हमारी अजीम अक्सरियत। अलबत्ता मुनाफिक किसे कहते हैं, ये पिछला जुमा अभी जिक्र किया है ज़ैनुल आबदीन साहब ने, तो पिछले जुमे में मैंने तकरीर हकीकत निफाक पर की है और वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी वो जो है उसका कैसेट मिल सकता है। जिन्हें भी दिलचस्पी है, ये एक खासा तवालत तलब मौजू है, इसको मुख्तसर तौर पर इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। उसको समझना चाहिए कि मुनाफिक किसे कहते हैं। हमारी अक्सरियत मुनाफिक नहीं है ना काफिर है, बेअमल मुसलमान है, ईमान नहीं है हमारे पास, या ईमान इतना कमज़ोर है कि वो हमारे अमल को दुरुस्त नहीं कर सकता, ना होने के बराबर, यानी या तो नहीं है या कल आदम है, ना होने के बराबर है। अजमल मलिक साहब, आपने अपने खिताब में सूरह मोमिनून की आयत के हवाले से लौंडियों का जिक्र किया और कहा है कि बीवी और लौंडियों के साथ जिनसी ताल्लुक जायज़ है, जबकि आज मगरिब के जिहाद के साथ साथ मुसलमानों के लौंडियों के तस्वुर पर सख्त तनकीद करता मगरिब और उसको मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बराए मेहरबानी आप मौजूदा दौर में उसकी ज़रूरत और इस्तेमाल की वजाहत फरमा दें। देखिए, मगरिब तो हर शय को हमारी ले रहा है, उसकी मुखालफत कर रहा है। मगरिब तो एक से ज़ायद शादियों को भी पसंद करने को तैयार नहीं। जब बदमाशियाँ करो, हराम खोरियाँ करो, काला मुँह करो, जिस तरह चाहो करो, लेकिन शादी एक ही होगी। और अब तो वो एक शादी भी नहीं कर रहे, वी आर लिविंग टुगेदर, बस हम साथ रहते हैं, शादी वादी हमने नहीं की है। इसलिए कि मैरिज लॉस जो है इतने अननेचुरल है कि मर्द शादी करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए कि शादी के बाद अगर आप तलाक देंगे तो आपकी आधी जायदाद पूरी की पूरी वो औरत ले जाएगी, और घर अगर एक है तो आपको घर से निकलना होगा, औरत वहीं रहेगी। ये ऐसे कवानीन कौन मर्द पसंद करेगा, ज़्यादा वो शादी करते ही नहीं। अब औरतों की अपनी ज़रूरत है, वो फिर भी बगैर शादी के रहती हैं। वी आर लिविंग टुगेदर, बस हम साथ रहते हैं। वो साथ रहने में बच्चे भी हो रहे हैं, पैदाइशें भी हो रही हैं, सब कुछ है, बट दे आर नॉट मैरिड लीगली, वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। तो मगरिब में जो चाहे करें, लेकिन शादी एक से ज़ायद इस्लाम की जो है वो उन्हें गवारा नहीं है। इसी लौंडियों का मामला ये है, अगर तो जैसे कि ये दुनिया में रिवाज था और हुजूर के ज़माने में भी था, एक शक्ल ये हो सकती थी कि आखिरी ज़माने में आकर इसको हराम करार दे दिया गया होता। जैसे आपको मालूम है सूद आखिरी ज़माने में आके आखिरी हुर्मत आई है उसकी, शराब की हुर्मत भी काफ़ी देर में आई है। तो अगर तो कोई ऐसी मुता की हुर्मत भी जो है आखिरी दौर में आई है, तो या तो ये कि अल्लाह ने उसे हराम कर दिया होता, तब तो ठीक है, लेकिन हराम नहीं किया है। तो उसकी वजह क्या है? अभी आखिरी दौर में जंगों का ज़माना आना है। हज़रत महदी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये आएंगे और जो जंगें होंगी बहुत बड़ी बड़ी, मैं समझता हूं कि उन मौक़े पर इस इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करने की ज़रूरत होगी। आजकल ये इंस्टीट्यूशन कहीं मौजूद नहीं है। रियाज अहमद साहब, डॉक्टर साहब, क्योंकि चौधरी वडेरे अयाश लोग अपने पैसे के बल पर मजबूर ख्वाहिशमंद लड़कियों को, औरतों को अपने पास रखते हैं, ये क्लियर कर दें कि लौंडियों से हम बिस्तरी करना जायज़ है, पर कीप की भी वही हैसियत है। कीप की कोई हैसियत इस्लाम में नहीं है। शादी एक से ज़्यादा आप 2, 3, 4 करें, आपको इजाज़त है। कीप जो है खामखा बस रखी हुई, जैसे मैंने कहा अभी कि वी आर लिविंग टुगेदर, तो ये कीप्स का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। और लौंडियों का भी इस वक्त कोई तस्वुर मौजूद नहीं है कि आप किसी, कोई गरीब आदमी आकर अपनी बेटी को बेच जाए आपके पास और वो आपकी लौंडी हो जाए, नहीं। तो काफ़ी हज़रात ने सवाल किए हैं। मोहम्मद आरिफ साहब, आयत नंबर 40 जिसमें मशारिक व मगारिब के रब का जिक्र है, ये किसकी तरफ मंसूब किया जाना चाहिए? अल्लाह ताला की तरफ या किसी और की तरफ? वजाहत फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ही है। ये असल में ज़माइर का मामला जो है कि एक ही आयत में अल्लाह ताला जो है वो अपने आप को गायब के सीगे में भी ला रहा है और मुतकल्लिम के सीगे में भी। तो फला उक़सिम बिरब्बिल मशारिक़ वल मगारिब, ये गायब का सीगा है। और लेकिन उसके बाद जो है इन्ना लक़ादिरून अला नुबद्दिल खैरम मिनहुम व मा नहनु बिमसबूक़ीन, अब ये जो है मुतकल्लिम का सीगा, ये कुरान मजीद में है, इसका उसलूब है। ये बात मशहूर है कि क़यामत सिर्फ काफिरों पर आएगी, उस वक्त कोई भी अहले ईमान जिंदा न रहेगा। ये भी हदीस में आता है कि वो जो आखिरी ज़माना है जिसके में कि आखिरी जो पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सरबराही में, उसके बाद फिर जब वो दौर जो है वो एक ख़ास मुद्दत तक जारी रहेगा, फिर जब क़यामत का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला अहले ईमान की रूहें बहुत सहूलत के साथ कब्ज़ कर लेगा। एक हवा ऐसी चलेगी कि हर साहिब ईमान की रूह कब्ज़ हो जाएगी बग़ैर किसी तकलीफ़ के। उसके बाद फिर वो हॉल होगा क़यामत का, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम मिन ज़लज़लति साअति शैउन अज़ीम। वो हौलनाक चीज़ें जो हैं वो सिर्फ काफिरों ही को देखनी पड़ेंगी, मोमिनों को नहीं। जावेद अब्दुल गनी दर्स, सूरतुल मारिज में जो औसाफ बताए गए वो अल्लाह की मोहब्बत से मुकम्मल ताल्लुक़ बयान करते हैं, मगर असल लफ्ज़ मोहब्बत और अल्लाह ज़िंदगी के मुकम्मल तस्वुर के साथ किया है। समझ नहीं सकता मैं इसको। शकील अहमद साहब, ईमान और यकीन में क्या फ़र्क है? ईमान तो एक तो सिर्फ इकरारुम बिल लिसान को भी कहते हैं, ज़बान से कह दिया, दिल में यकीन नहीं है, ये है ईमान, ये भी ईमान है। लिहाजा आपको मालूम होगा कि हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हो गई थी गलती, कह लीजिए कि एक काफिर के साथ उनका मुकाबला हुआ, एक अंसारी भी साथ थे, इन दोनों ने ज़ेर कर लिया उसे। तो जब उस काफिर ने देखा कि अब मेरी बचत की कोई शक्ल नहीं है, ने कलमा पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। वो अंसारी साहबी तो पीछे हट गए कि ये तो अब कलमा पढ़ लिया इसने, तो इसकी जान जो है अब हम नहीं ले सकते। हज़रत उसामा ने यह समझा कि ये तो इसने जान बचाने के लिए झूठ बोला है, खामखा को ऐसे सिर्फ हीला किया है, तरवाल चला दी, गर्दन उड़ा दी। लेकिन फिर हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त तंबीह की कि उसामा क्या करोगे क़यामत के दिन, जब ये कलमा शहादत जो है ये आएगा तुम्हारे खिलाफ इस्तिगासा लेकर के, मेरे होते हुए उसामा की तलवार चली। तो ये ज़बान से इकरार जो है ये भी बहुत बड़ी शय है, दुनिया में इस्लाम का की बुनियाद यही है, ये भी ईमान ही कहलाएगा। लेकिन एक ईमान वो है जो दिल में दाखिल हो जाए, जिसको कुरान मजीद में सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 में कहा गया, वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान जब दिल में दाखिल हो जाता तो वो यकीन बन जाता है। तो ये फ़र्क है ईमान में और यकीन में। अब्दुल हफीज़ बलोच साहब, तुमसे समझते हो कि पहाड़ जामिद हैं, ये बादलों की तरह बढ़ रहे हैं। इस आयत के मुतालिक डॉक्टर हलोक या क्या नाम ने लिखा था कि ये ज़मीन की गर्दिश को जाहिर करता है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, सवाल तो ये है कि ज़मीन की गर्दिश और उसके ऊपर बादल, एक तो वो गर्दिश के साथ बादल जो ये पहाड़ चल रहे हैं ज़मीन के साथ, हमें चलते हुए नज़र तो नहीं आ रहे। वो तो ये होगा कि ज़मीन उस वक्त हमें साकिन महसूस होगी जैसे अब भी साकिन महसूस हो रही है, और पहाड़ चल रहे होंगे जैसे कि बादल चलते, तो नक्शा वो खींचा गया है। जफर साहब, इंसान जल्दबाज है, इसकी जो बाद में इंसान में खूबियां बयान की हैं उनका ताल्लुक समझ में नहीं आया, मेहरबानी फरमाकर वजाहत फरमा दीजिए। यानी यह कि जब तक इंसान अपने अंदर ये औसाफ पैदा नहीं करेगा उसकी शख्सियत कमज़ोर रहेगी। जैसे कच्ची मिट्टी की ईंट है, जो मिट्टी की ईंट है वो आपको मालूम है पानी जो है पड़ेगा तो खुर जाएगी। पक्की ईंट जो है वो है दर हकीकत की जो जमी रहती है, पानी जो है उसको कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह इंसानी शख्सियत को पकाने के लिए खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजिनहार तू। तो इंसान की शख्सियत को पुख्ता करने के लिए इन औसाफ की ज़रूरत है। ये औसाफ पैदा किए जाएंगे तो फिर शख्सियत पुख्ता हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आजकल के हालात में सूद से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, एक है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन इंटरेस्ट, उससे तो हर शख्स बच सकता है। आपके ऊपर कोई लाजिम नहीं है कि आप कर्ज लें बैंक से और अपना कारोबार बढ़ाएं। जितना आपका सरमाया है उसी के मुताबिक कारोबार करें, अल्लाह मियां रोटी दे देगा, ना ज़्यादा की फिक्र करें। बैंक से कर्जा लें सूदी और अपना महल बनाएं, क्यों बनाएं, क्या ज़रूरत है? जाना तो है यहाँ से, महल से भी निकलना पड़ेगा, एक रोज़ चारपाई के ऊपर, चार कंधों के ऊपर जाना ही निकलना पड़ेगा। छोटे मकान से भी निकल जाएंगे, छोटे मकान में रहिए, किराए के मकान में रहिए। तो ये तो अपना कोई पैसा जो है रखकर सूद ना खाइए, ये तो आप कर सकते हैं, हर शख्स कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। इनडायरेक्ट सूद जो है उससे बचना इस वक्त बहुत मुश्किल है। मसलन ये कि अब पूरा का पूरा हमारा माशी निज़ाम सूद के ऊपर कायम है। अब जो भी गंदुम हम खाते हैं उस गंदुम के लिए जो बीज लिया गया था वो सूदी कर्जे पर लिया गया था, उसके लिए जो वो खाद ली गई थी, फर्टिलाइज़र लिए गए थे वो सूदी कर्जे पर लिए गए थे, उसके लिए जो भी वो अगर डीजल लिया गया, ट्रैक्टर लिया गया, तो ये तो गोया कि उस गंदुम के हर दाने में सूद है। लेकिन ये वो सूद है जिससे मैं और आप बच नहीं सकते। इसका कफारा क्या है कि हम चूंकि ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि वो सूद हमारे अंदर लाजमन जा रहा है, तो इसके गुनाह के असर को जायल करने के लिए हमें जो तवानाई मिलती है, गंदुम हमने खाई है तो ताकत जिसम में आती है ना, इस ताकत का अक्सर व बेशतर हिस्सा हम अल्लाह के दीन के लिए लगा दें। दीन की इशाअत, दीन की इकामत की जिद्दोजहद, ये कफारा हो जाएगा उस सूद से बचने का। एक ही तरह हाफिज मुदस्सिर अमीन साहब, कुरान और हदीस की रूह से तस्वीर हराम है और जायज़ नहीं, मगर आपके प्रोग्रामों में तस्वीर बनती देखी गई, बराए मेहरबानी कुरान और सुन्नत की रूह से उसकी वजाहत फरमा दें। पहला तो मुगालता ये हाफिज़ साहब आपको कि कुरान की रूह से ये हराम है। कुरान में कोई आयत नहीं है जो तस्वीर को हराम करती हो, बल्कि कुरान मजीद की एक आयत से तमासील बनाना, मुजस्समे बनाना, उनका भी जवाज़ साबित होता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिन्नात के ज़रिए से तमासील बनवाया करते थे। तो कुरान में तो तस्वीर की हुर्मत नहीं है, हदीस में है, इसमें कोई शक नहीं है कि है, और तस्वीर हराम है। कौन सी तस्वीर? हुजूर के ज़माने में ये कैमरा नहीं था, ये अक्स है दर हकीकत। वो तस्वीर होती थी हाथ से बनाने वाली, तो हाथ से बनाने वाली तस्वीर यकीनन हराम है, हराम मुतलक है, उस पर सबका इजमा है। लेकिन जब कैमरा ईजाद हुआ तो इख्तलाफ हो गया, उलमा में नई चीज़ पर इख्तलाफ हो जाता है। अब आपके इल्म में होगा, लाउड स्पीकर आया तो इस पर भी इख्तलाफ हो गया था कि लाउड स्पीकर पर अजान दी जा सकती है कि नहीं, लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ाई जा सकती है कि नहीं। और इतनी बड़ी शख्सियत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नज़दीक जो है लाउड स्पीकर पर अजान देना नाजायज़ था। और आज भी तबलीगी जमात जो अपनी नमाजों में वो 10-10 लाख का मजमा होता है और वहाँ पर वो लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि उससे बड़ी बदनज़मी होती है। अब जाहिर बात है इतना बड़ा मजमा है वहाँ पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुकब्बरीन के ज़रिए से वो अगली सब जो है वो सजदे में होती है, ये अभी खड़े हैं या रुकू कर रहे हैं, ये हाल हो जाता है। तो ये इख्तिलाफ हो जाता है नई चीज़ के ईजाद होने पर। अब जाहिर बात है कि हर थानवी मस्जिद के अंदर भी इस्तेमाल होता है वो लाउड स्पीकर, सिवाय तबलीगी जमात के, और मेरे इल्म में नहीं है कि कुछ उसको इस दर्जे जो है वो हराम समझते हो। वो अपनी तकरीरों के लिए इस्तेमाल करते, नमाज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से कैमरा ईजाद हुआ तो इख्तिलाफ हो गया। आलम अरब के उलमा का इस पर इजमा है कि कैमरे की तस्वीर के ऊपर उस हुर्मत का इतलाक़ नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा ने कहा कि इस पर भी होता है। अलबत्ता किसी अगर इंसानी तमद्दुनी और समाजी ज़रूरत के लिए हो तो जायज़ है। मतलब ये कि मुजरिमों की शनाख्त के लिए फ़ोटो, पासपोर्ट के लिए फ़ोटो, इसको जायज़ कहते हैं, तमाम उलमा जायज़ कहते हैं। इसी तरीके से हमने कहा है कि दीन की तालीम और तबलीग के लिए इसको इस्तेमाल करना। अब जाहिर बात है कि मैंने दर्स दिया है, ये दर्स जो है इसका वीडियो बनेगा, इसका वीडियो जाकर कितने ही लोग इसको सुन सकते हैं। अगर सिर्फ ऑडियो होगा तो उसमें वो बात नहीं होती जो वीडियो में होती है, वो तो ऐसे हो जाता जैसे कि आप मेरा बराह रास्त दर्स सुन रहे हैं। तो एक शख्स की जो अपनी ज़ाती उसके अंदर है वो बात शामिल हो जाती है, ऑडियो विजुअल ये कहलाता है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि हमने इसको इख्तियार किया है। आमिर खान साहब, आपने दर्स के दौरान ईमान की तारीफ में बैन अल खौफ व रजा की वजाहत में अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया कि अगर क़यामत के दिन ये फैसला हो कि एक शख्स जन्नत में जाएगा तो मैं हूँगा वगैरह। डॉक्टर साहब, गालिबन ये कौल हज़रत उमर फारूक का है, वजाहत फरमा दें। अब आप भी चूँकि यकीन से नहीं कह रहे, गालिबन कह रहे हैं, लेकिन मेरे गालिबन ये हज़रत अबू बकर का है। बहरहाल ये कोई हुजूर का कौल नहीं है माअल्लाह, इसमें कोई कमी बेशी हो जाए तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में हज़रत अबू बकर ही का है, वल्लाहु आलम। शाहिद साहब, इन्होंने अपना पता वता नहीं लिखा। आपने अपने खिताब में फरमाया कि अपनी बीवी के अलावा अपनी लौंडी के साथ भी मुबाशरत की इजाज़त है। लौंडी से निकाह के बगैर जिनसी ख्वाहिश का पूरा करना गुनाह ना होगा। लौंडी से या तो बग़ैर निकाह के मुबाशरत की इजाज़त की क्या वजह है, हालांकि बग़ैर शरई निकाह के मुबाशरत ज़िना है। तो एक आज़ाद औरत से निकाह के बग़ैर ज़िना करना मुबाशरत जो है वो ज़िना है। लौंडी आपके दाहिने हाथ की मिल्कियत होती है, उसमें इजाज़त है। अब ये शरीयत का हुक्म है, इसमें आप मुझसे क्या पूछते हैं? ये तमाम उलमा से पूछेंगे वो यही कहेंगे। लेकिन लौंडी का मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, किसी औरत को कहीं से पकड़ के जाके बेच दे तो वो लौंडी बन गई, या कोई शख्स अपनी जो है बेटी को बेच जाए तो वो लौंडी, वो नहीं है। बल्कि लौंडी वही होगी जो खालिस इस्लामी जिहाद में जो ऐसे मौक़े आ जाएं कि मर्द भी हों और औरतें भी हों, तो मर्दों को ग़ुलाम बनाया जाएगा, औरतें कनीज़ें बन जाएंगी, लौंडियाँ बन जाएंगी, उनसे मुबाशरत हो सकती है, उनसे औलाद होगी। वो औलाद चूँकि वालिद की होती है वो बराबर की होगी, बीवी से औलाद हो या लौंडी से औलाद हो, औलाद में कोई फ़र्क नहीं होगा रुतबे का। और जिस लौंडी से औलाद हो जाए वो उम्मे वलद हो जाती है, उम्मे वलद का दर्जा बड़ा है, यानी ये कि फिर उसको बेचा नहीं जा सकता, वो अब उसी शख्स के घर में रहेगी, उसी के पास रहेगी, वो किसी और को बेच नहीं सकता। तो ये शरीयत के अहकाम है, इसमें मैं भी बेबस हूँ, आप भी बेबस हैं। जो भी हमें शरीयत बताती है वही हमें कबूल करना, इख्तियार करना है, और उसी की हमें जो है पूरी तरीके से तस्लीम और तायद करनी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।